हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों। हेलो पटना और लक्ष्मीनगर, कैसे हो? ये क्या सेस पे लिखा रखा है, 1 2 3 4 5 6? हाँ जी, वाराणसी, धनबाद, कहाँ हो बाकी सब लोग? आज बेटे अपना लेक्चर नंबर 17 है, और इन्वेस्टमेंट का हम लोग बचावा पार्ट करने लग रहे हैं। आज इन्वेस्टमेंट का बचावा पार्ट करना है। हेलो धनबाद, गुड आफ्टरनून। 2:06, 2:05 लास्ट है क्लास स्टार्ट होने के लिए। चलिए शुरू करें। सबसे पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और फिर जो आपका होमवर्क होगा, जो आपको लगेगा जिसमें डाउट है। हाँ भाई, कल कुछ कह रहा था कोई बच्चा कि डिबेंचर में डाउट है, बता रहा था बच्चा। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 20 कर लें और फिर जी भर के डाउट पूछ लेना इन्वेस्टमेंट में जो आपके डाउट हो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बनाना है बेटे, उसमें भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। फटाफट से बच्चे पढ़ें क्वेश्चन नंबर 20। तब तक मैं जरा खाने खींच लूं। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमें बनाना है जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तीन तरह के शेयर्स और डिबेंचर्स हैं यहाँ पर, मतलब बेटे तीन तरह की सिक्योरिटीज हैं। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बताएं, यहां पर तीन तरह के इन्वेस्टमेंट है। एक तो बेटे यहां पे बॉन्ड खरीद रखे हैं, 8% बॉन्ड, और क्या खरीद रखा है जी, और इक्विटी शेयर्स भी है यहां पर। और इक्विटी शेयर्स किसके, सी लिमिटेड वाले, और एक और इक्विटी शेयर्स है एक्स लिमिटेड वाले। ये तीन तरह के इन्वेस्टमेंट है बेटे। जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, पढ़िए प्लीज आप क्वेश्चन। तब तक मैं जरा यहां पर कॉलम खींच लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के कॉलम को खींच लेता हूँ, जरा और बड़ा सा बनाते हैं। डेट, पार्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट। पहले क्या डिबेंचर में इन्वेस्ट किया था सबसे पहले? हाँ, बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स मतलब बेटे डिबेंचर्स। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट लिखते चलो जी। ये कौन से वाला बन रहा है, इन्वेस्टमेंट इन 8% बॉन्ड, 8% बॉन्ड्स मतलब बेटे डिबेंचर्स। डेट, पार्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट्स। फिर से यही कॉलम इधर की तरफ, डेट, पार्टिकुलर्स, फेस वैल्यू और बेटे इंटरेस्ट और इधर अमाउंट। हाँ जी, ये तो बेटे बॉन्ड का है। अब दो इक्विटी शेयर्स के इन्वेस्टमेंट्स हैं। दो इन्वेस्टमेंट किसके हैं बेटे, इक्विटी शेयर्स के। आइए जरा उनका भी बना लें। इक्विटी शेयर्स का हम इधर बनाते हैं, ये डिबेंचर का है
और इधर बना लेते हैं इक्विटी शेयर्स का दोनों एक साथ, अमाउंट, इनकम, नंबर ऑफ शेयर्स, पार्टिकुलर्स और डेट। नंबर ऑफ शेयर्स, इनकम और अमाउंट, मजा आ गया जी इस क्वेश्चन में देख के। तो मैंने कहा ये तो भाई बच्चों को करना ही है पक्का, एग्जाम के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है ये। जब एक ही क्वेश्चन में तीन तीन तरह के इन्वेस्टमेंट आ जाए तो मजा आ जाए। तुम पहले होली की छुट्टी ले लो। कह रहे होली की छुट्टी कब से होगी, वाह वाह बेटे बहुत गलत बात है, आप छुट्टी के पीछे ज्यादा पड़े रहते हो। मैं तो सोच रहा था कि संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेना शुरू करें हम लोग, मेहनत के टाइम पे छुट्टी की बातें। इनकम, नंबर ऑफ शेयर्स, पार्टिकुलर्स, डेट, ये क्या है बेटे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ। सबसे पहले कौन से वाले शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है जी, एक्स लिमिटेड, पहले नंबर आया है एक्स लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड सबसे ज्यादा मुश्किल काम तो इनके फॉर्मेट को खींचना है, क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते जितना मुश्किल इनका फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन, इन पे वर्क करना होता है। दूसरे वाला अकाउंट वो भी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स का, इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ बनाया। क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, बस इनकी प्रेजेंटेशन थोड़ा सा देखने की जरूरत है। भाई ये कौन सा अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड, डेट, पार्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, इनकम और बेटे अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, इनकम और अमाउंट। अच्छा 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 ओके, ओके वाराणसी, अब समझा मैं आपकी बात, ठीक है कल बता दूंगा है ना, मतलब मंडे बता दूंगा। चलो जी तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं बेटे, क्वेश्चन को पढ़ें और फटाफट से ग्राफ बनाएं। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर आपने ग्राफ पे कंट्रोल रखे रखा तो। क्वेश्चन को पढ़ते जाना, ग्राफ बनाते जाना है। सर कैसे बनाएं, एक ही क्वेश्चन में तीनों बातें हैं तो ग्राफ कैसे बनेंगे? ऐसे केस में बेटे आपको फोकस करना है, किस तरह से फोकस करना है, आप सिर्फ ये देख लो कि पहले तो क्वेश्चन में कितनी तरह की सिक्योरिटी है। तो आपने देख लिया यहां पर तीन तरह की सिक्योरिटी है। अब सिर्फ एक सिक्योरिटी को पकड़ लो, बॉन्ड्स है, डिबेंच मतलब बॉन्ड्स है या इक्विटी शेयर्स है या जो भी है, जो भी है एक सिक्योरिटी को पकड़ लो और उस सिक्योरिटी की सारी बातें क्वेश्चन के अंदर जो लिखी हुई है वो पढ़ डालो, एक साथ पढ़ डालो और उसको बल्कि बना लो किस पे, ग्राफ पे, क्योंकि यहां पर ना दिक्कत होती है वरना। सबसे पहले जैसे मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूं तो मैं पहले वर्किंग नोट बना रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर वन,
वर्किंग नोट नंबर वन, वो है अपना ग्राफ। यहां पर तीन ग्राफ एक साथ बनेंगे, यहां पर बेटे तीन ग्राफ एक साथ बनेंगे। सबसे पहले तो बॉन्ड का 8% बॉन्ड है इनका नाम, इनका ग्राफ अलग से बनाते हैं जी। ये रहा जी, सबसे पहले बेटे 8% बॉन्ड का ग्राफ। तो हम क्वेश्चन में बाकी सब बातों को देखेंगे लेकिन आंख बंद कर लेंगे, उनको की तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ग्राफ बनाते हुए हम बस इतना ध्यान रखेंगे, सिर्फ एक सिक्योरिटी पकड़ ली उसी की सारी बातें। जैसे अप्रैल 1, 2001 को परचेज किए 8% बॉन्ड 80.5 रुपीज के हिसाब से, वो भी कैसे कम इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट पेबल है 1 नवंबर और 1 मई को। चलो जी, 1 अप्रैल 2001 कहां पर है जी, ये रहा, ईयर हमारा 31 मार्च को खत्म है ना, हाँ 31 मार्च 2002 को। लो बेटे 31 मार्च 2002 को ये खत्म है, और ये शुरू कब है, शुरू कब है 1-4-2001 को शुरू है। तो यहां पर बेटे सबसे पहली बात, 1 अप्रैल 2001 को खरीदे, परचेज्ड, परचेज्ड कितने की फेस वैल्यू 12 लाख की, 12 लाख रुपए की फेस वैल्यू का है जो इन्होंने खरीदा। अच्छा, और कितने के भाव में, 80.5 के भाव में, उसकी कॉस्ट है जी एट द रेट ऑफ 80.5, वो भी कैसे कम इंटरेस्ट। पहले सारी बोन वाली बात दिख लेंगे, डेट कब कब है इंटरेस्ट की, एक तो भाई इसके यहां पर इंटरेस्ट की डेट है 1 मई को, 6 मंथ इंटरेस्ट दिया जाता है 1 मई को, और कब दिया जाता है दूसरा 1 नवंबर को बोल रखा है जी, 1 नवंबर को, ये भी क्या है इंटरेस्ट 1 नवंबर, वो भी कौन सा 6 मंथ इंटरेस्ट। बेटे अजीब सी डेट है, देखो आप हर जगह क्वेश्चन में जून 30 दिसंबर 31 या मार्च 31 सितंबर 30 नहीं मिलने वाली। और बताओ जी क्वेश्चन में क्या कहा, जहां जहां पे 8% बॉन्ड लिखा है क्वेश्चन में सिर्फ उस लाइन को पढ़ते चलेंगे। हाफ ईयर का इंटरेस्ट रिसीव हो गया, अच्छी बात है, 1 मई को हाफ ईयर का इंटरेस्ट रिसीव हो गया। और कहां है जी, 1 अक्टूबर को 8% बॉन्ड बेच दिए गए 3 लाख वाले, और 81 रुपए के भाव में बेच दिए, वो भी एक्स इंटरेस्ट। ओहो, यानी कि और डेट कौन से, 1 अक्टूबर, अक्टूबर 1 मई नवंबर, अक्टूबर नवंबर से पहले आएगा 1 अक्टूबर। क्या हुआ जी यहां पे, सोल्ड, फेस वैल्यू 3 लाख रुपए, फेस वैल्यू 3 लाख के डिबेंचर बॉन्ड्स बेच दिए गए, 3 लाख की फेस वैल्यू वाले बॉन्ड्स को बेच दिया गया बेटा, और वो भी कितने के भाव में, एट द रेट ऑफ, ये क्या है सेल्स प्राइस है, एट द रेट ऑफ 81। और बेटे क्वेश्चन ने बता दिया कि ये एक्स इंटरेस्ट है। और बताओ जी, और देखो क्वेश्चन में कहां लिखा है 8% बॉन्ड, और देखो बेटे क्वेश्चन में कहां लिखा है 8% बॉन्ड, भाई और कहीं भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में 8% बॉन्ड के बारे में, नहीं लिखा जी। ठीक है, तो हम बॉन्ड वाली बात पूरी कर दें क्या, यस पूरी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले 8% बॉन्ड की सारी अकाउंटिंग पूरी कर देते हैं जी, आओ बेटे कर देते हैं खत्म। सबसे पहली बात, 1 अप्रैल को परचेज किया, तो हम 1 अप्रैल को हम एंट्री डाल देते हैं इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड अकाउंट में, भाई कौन सी डेट को, 1 अप्रैल को 2001, कौन सी डेट 2001, 1 अप्रैल टू बैंक,
बेटे कितने की फेस वैल्यू बच्चों? 12 लाख, 12 लाख रुपए की फेस वैल्यू। अब 12 लाख की फेस वैल्यू के लिए कितना पेमेंट किया गया? 12 लाख की फेस वैल्यू के लिए कितने रुपए का पेमेंट है? 80.50, वो भी विद इंटरेस्ट है। तो मैं इसकी वर्किंग यहीं पे दिखा देता हूँ। वर्किंग वर्किंग डिबेंचर वाली वर्किंग, यहां पहले हमने बात की 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2001 की बात मैं कर रहा हूं जी। यहां पर प्राइस पेड विद इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट मतलब विद इंटरेस्ट, वह है एट द रेट ऑफ 80.5 रुपीज। तो भाई ये कितना बैठा होगा? भाई 12 लाख की फेस वैल्यू है और एक एक डिबेंचर 100-100 का होता है, जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 80.5 रुपीज से। तो ये आ गया जी आपका 12 लाख × 80.5/100, 9,66,000। 966 जो है उसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है बच्चों, तो हम इसमें से इंटरेस्ट को हटा देंगे। माइनस इंटरेस्ट, बताना तो जरा इसके अंदर इंटरेस्ट कितने रुपए जुड़े हुए हैं, कौन सा सेंटर है जो सबसे पहले बताने वाला है, उसी का आंसर लिखना है हमें यहाँ पे। यहाँ पर उसी सेंटर का आंसर लिखा जाएगा जो सबसे पहले बताएगा बेटे इसके अंदर इंटरेस्ट कितना शामिल है। हम क्यों बताएं? लक्ष्मी नगर, ये क्या कह रहे हो? 3 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। लक्ष्मी नगर गलत बेटे, वेरी गुड धनबाद, वेरी गुड पटना, बिल्कुल सही बेटे, 5 महीने का, क्योंकि 1 मई को इंटरेस्ट होना है यहाँ पर। यहाँ जनवरी फरवरी मार्च नहीं चलने वाला लक्ष्मी नगर, तुमने सोचा इसका मतलब जून 30 और दिसंबर 31 वाली डेट को, इसलिए तुमने शायद 3 महीने बताया। यहाँ पर डेट 1 मई और 1 नवंबर है बेटे, अप्रैल से पहले क्या आया होगा? नवंबर। और अगली डेट कौन सी थी? 1 मई। देखो ना, वैसे भी 1 महीने से एक पहले, मतलब 6 महीने वाली बात थी, 1 मई से 1 महीना पहले तो है, यानी 5 महीने का इंटरेस्ट आ गया जी 40,000 रुपए। तो जी इसके अंदर 40,000 रुपए जुड़े हुए हैं, निकाल के दिखा देता हूँ। 12 लाख का 8% × 5/12, 40,000, यानी बेटे 9,26,000 है, जो कायदे से इन्वेस्टमेंट के नाम का है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 9,26,000, और भाई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000। 12 लाख की फेस वैल्यू के लिए 9,66,000 पे किए गए, मैंने माना बच्चों ने यहां तक नोट कर भी लिया है शायद। बेटे किसी का काम रुक जाए तो तुरंत बोल देना सेस पे, कोई बात समझ में नहीं आए तुरंत बोल देना सेस पे, जिस पॉइंट पर हम हैं साथ के साथ बताया करो, है ना। आगे जाएंगे फिर वापस पिछले वाला डाउट पूछोगे तो दिक्कत होगी। तो मैंने माना यहां तक सब ओके है, अगर किसी को डाउट है बेटे सेस पे लिख के भेजो, वरना मैं तो चल ही रहा हूं आगे। तो जी अगली डेट है हमारी जिस पे ट्रांजैक्शन हुई, वो है 1 मई। 1 मई को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, 1 मई को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, जितने हमारे पास डिबेंचर होंगे उन्हीं पे तो रिसीव होगा। कितने रुपए के हैं? 12 लाख के। तो 1 मई को, 1 मई को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, क्या हुआ जी? बाई बैंक। लो जी बच्चों, बेटे 12 लाख का 8% डिवाइडेड इंटू 6/12, वेरी गुड पटना, शाबाश। ये हुई ना बात, जब मैं पूछ रहा हूँ तो बेटे साथ साथ बताओ ना, बल्कि मेरे पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये होती है बात। देखो पटना ने अपने आप आंसर लिख के भेज दिया, 48,000 का इंटरेस्ट है जी, वेरी गुड। हाँ जी शाबाश लक्ष्मी नगर। तो आगे बढ़ते हैं बेटे, अगली डेट कौन सी है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को क्या हुआ जी? सेल हो गई जी डिबेंचर। अच्छा सेल हो गए, हाँ जी। तो मैं यहीं पर इसकी वर्किंग को रब करके मैं इसी जगह पे दूसरी वर्किंग कर रहा हूँ बेटा। अगली डेट है हमारी, कब सेल हुई? 1 अक्टूबर को।
एक अक्टूबर को सेल्स प्राइस भाई कितनी फेस वैल्यू बेची जी? बेची है जी फेस वैल्यू 3 लाख की, फेस वैल्यू 3 लाख को बेच दिया, फेस वैल्यू 3 लाख के डिबेंचर्स को बेच डाला, और कितने रुपए मिले जी? 81/100। और ये विदाउट इंटरेस्ट है जी, यानी 2,43,000 रुपए। अब इसमें से हमें घटानी है कोस्ट, देखते हैं कौन सा सेंटर सबसे पहले बताएगा। कोस्ट ऑफ सोल्ड इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं? ऑफ कोर्स यहां पर चाहे कोई भी मेथड लग रहा हो, चाहे फीफो चाहे एवरेज, हमारी हमेशा इसी में से जानी है, क्योंकि एक ही इन्वेस्टमेंट पड़े हुए अपने पास में। भाई 9,26,000 रुपए कॉस्ट है, हाँ बिल्कुल है। ये कितने फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है? ये है जी 12 लाख फेस वैल्यू की कॉस्ट है बॉन्ड्स में। तो आप निकल के कौन सी जा रही है? 3 लाख। तो 3 लाख फेस वैल्यू की कॉस्ट कितने रुपए की है बेटा? वो हमें निकालनी है, यहाँ पर घटा देंगे उसी को, ठीक है? हाँ जी, ये आ गई जी 9,26,000 इंटू 3/12। किसी ने भेजी है इस पे लिख के? नहीं भेजी। पटना बेटे क्या आंसर क्या भेजा आपने? दोबारा देखो, 9,26,000 इंटू 3 लाख डिवाइड बाय 12 लाख। पटना आंसर चेक करो बेटे, गलत है। 2,31,500 रुपए की कॉस्ट है, माइनस कर देंगे 2,43 में से। ₹11,500 का क्या है जी? प्रॉफिट है 11,500 का प्रॉफिट है। यस पटना, तो इसकी पोस्टिंग करें क्या? यस। कौन सी डेट है? 1 अक्टूबर। बाई बैंक 3 की फेस वैल्यू गई, ठीक है, और कितने रुपए मिले इन्वेस्टमेंट वाले? इंटरेस्ट की बात अभी कर लेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। 2,43 मिले, जिसमें प्रॉफिट कितना है? 2 P&L 11,500 रुपए। लो जी बेटे 11,500 रुपए। अब देखो तो जरा, इस पे इंटरेस्ट भी तो रिसीव होना है। यस, क्योंकि ये तो एक्स इंटरेस्ट था, ये तो एक्स इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू पर हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की। 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू पर 8% के हिसाब से, 8% के हिसाब से कहां से कहां तक का इंटरेस्ट होगा बेटे? बताओ जल्दी सेस पे, कितने मंथ का? एक बच्चे ने अमाउंट बता भी दी, वेरी गुड पटना, बिल्कुल सही जवाब। लक्ष्मी नगर 11,500। आप ये 11,500 पुराने वाला तो नहीं बोल गए कहीं जल्दबाजी में? कितने महीने का इंटरेस्ट आना है जी? 1 मई थी ना डेट, यस। फिर 1 नवंबर आने वाली थी, 1 नवंबर से 1 महीने पहले की बात है, यानी बेटे 5/12, 5 महीने का। ₹10,000 बिल्कुल सही आंसर है। धनबाद 6 मंथ का तो नहीं आएगा? धनबाद देखो ना, 1 नवंबर को इंटरेस्ट मिलने वाला था, और ये कौन सी डेट है? 1 अक्टूबर, ठीक है। 10,000 बिल्कुल सही आंसर है, हाँ 10 है, 10,000 रुपये। ओके, कोई बात नहीं, करेक्ट होना चाहिए बस, आगे है ना, करेक्शन आ जाए बस। चलो बेटे,
और इसके बाद देखो जी और क्या रह गया, अब तो रह गया क्लोजिंग डेट पर, क्लोजिंग डेट पर चले जी। लेकिन उससे पहले एक नवंबर आ गया, एक नवंबर को फिर से इंटरेस्ट रिसीव हुआ, एक नवंबर को फिर से इंटरेस्ट हुआ रिसीव्ड बाय बैंक, छह महीने का इंटरेस्ट कितनी फेस वैल्यू पे मिलेगा भाई, 12 लाख में से 3 लाख की फेस वैल्यू तो जा चुकी है, बची कितनी है 9 लाख की फेस वैल्यू। देखे कौन सा बच्चा बताए, 9 लाख की फेस वैल्यू पे कितने रुपए बैठेंगे इंटरेस्ट के, बोलो बेटे कौन सा सेंटर बताएगा कितने रुपए का इंटरेस्ट आया 6 महीने का, है कोई जवाब, कौन सा सेंटर बताएगा कितने रुपए इंटरेस्ट से 6 महीने के अब जो मिलने वाले हैं। वेरी गुड पटना, वाराणसी कैसे कैसे सो रहे हो क्या क्लास में, बड़ी धीरे धीरे वाराणसी बड़े हल्के हल्के जवाब दे रहे हो, वरना आगे रहते हो तुम भी, बाकी सब सेंटर जल्दी बताओ बेटे, एक ही सेंटर ने बताया, चलो 36,000। अब क्लोजिंग डेट पर देखे कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, डेट है कौन सी 31 मार्च 2002, बच्चों क्लोजिंग बैलेंस बताओ जी, क्लोजिंग बैलेंस कितने रुपए की अमाउंट आएगी, कुछ ना बोले तो शॉर्ट टर्म मानते हैं, ओके शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लेस, ठीक है ओके। एक लाख बीस सॉरी 12 लाख में से बच गई, 12 लाख की फेस वैल्यू में से बच गई 9 लाख की फेस वैल्यू बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन 9 लाख रुपए। अच्छा लेट जा रहा है रिप्लाई, लक्ष्मी नगर कह रहे हैं, अच्छा हाँ जी, यहां पर जो है ना सीधी सी बात है, शॉर्ट टर्म है कोस्ट और एनआरवी, बेटे एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे ना, ये तो आपको समझाने के लिए आप यही काम वर्किंग नोट में लिख रहे होंगे, पटना ने आंसर दिया है, अभी देखते हैं बेटे सही है क्या, कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, अब कोस्ट देख लेते हैं जी, एनआरवी हमें दे रखी है क्या, नॉट गिविन, तो हम क्या करते हैं इसको स्किप कर जाते हैं, तो जो कॉस्ट आएगी वही हमारी यहां पर क्लोजिंग में वैल्यू रहेगी। अगर वो मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी कम इंटरेस्ट वाराणसी, एक बच्चे ने कहा है वाराणसी वाले ने कि सर हम यहां पर जो वैल्यू डालते हैं वो क्लोजिंग में मार्केट वैल्यू में से इंटरेस्ट घटाकर डालते हैं क्या, आंसर इज नो। फिर दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं उस बच्चे का, उस बच्चे ने लिखा है सेस पे, वाराणसी वाले बच्चों ने, कि सर यहां पर जो क्लोजिंग में जो हम वैल्यू निकालते हुए जो मार्केट वैल्यू लेते हैं हम उसमें से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं क्या, आंसर इज नो। अच्छा परचेज के केस में, परचेज के अगर वो कम इंटरेस्ट, सीधी सी बात है बेटे, चाहे केस परचेज का हो चाहे केस क्लोजिंग वाली मार्केट वैल्यू का हो, अगर उसके अंदर इंटरेस्ट कम है मतलब जुड़ा हुआ है क्यूमुलेटेड है, अगर उसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो हम हटाएंगे, पक्का हटाएंगे, ठीक है वाराणसी। अब इस क्वेश्चन में हमें पहले यहाँ पे बेटे क्लोजिंग वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, मार्केट वैल्यू तो दे नहीं रखी, नहीं तो हमारे हाथ में कोस लग सकती है, यस ऑफ कोर्स, वो कोस सिर्फ उसी की बात करता है किसकी, इन्वेस्टमेंट की, जरा देखो कितने का टोटल हुआ, 9,26,000 की कोस थी है ना, किसकी 12 लाख की, और 12 लाख में से 9,26,000 की कोस, देखो 12 लाख फेस वैल्यू की कोस है 9,26,000, तो 9 लाख फेस वैल्यू की कोस कितनी रही होगी, उसी को यहाँ पे निकाल लेते हैं कि भाई 9,26,000 रुपए कोस है 12 लाख की फेस वैल्यू की, तो इसमें से 9 लाख की फेस वैल्यू की के हिस्से में कितने रुपए की कोस्ट आई,
आपकी बात मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आई दोस्त वाराणसी, ये अगर एक्स इंटरेस्ट है तो हैं जी मेरा है, ये अगर ये एक्स इंटरेस्ट है बेटे, अगर एक्स इंटरेस्ट है तो होता ही एक्स इंटरेस्ट है ये तो हमेशा है ना, अगर कहीं पे कम इंटरेस्ट दे रखा है तो इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा, बस बात खत्म है ना वाराणसी, चाहे कहीं भी दे रखा हो। अच्छा कितनी आएगी जी, 9,26,000 इंटू 9,00,000 डिवाइडेड बाई 12,00,000, यह आ गई जी 6,94,500 रुपये, 6,94,500 रुपये निकल के आई ये वैल्यू, 6,94,500 रुपये निकल के आई बेटे वैल्यू, और इसी को हम यहां पे लिख देंगे 6,94,500 रुपये निकल कर आ गई जी, 6,94,500 रुपये। लो बेटे इस पे 3 महीने का इंटरेस्ट और देखो जरा, 9,00,000 3 महीने का कितने का, 31 मार्च तक का, पहले कौन सी डेट 1 नवंबर, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने का, 9,00,000 का 8% इंटू 5/12 30,000 रुपये बेटे, 30,000 रुपये बच्चों यहाँ पे क्लोजिंग में आ गया एक्रूड इंटरेस्ट। लो जी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक ओके है। धनबाद कह रहे हैं कि सर वेटेड एवरेज से किया मैंने, पटना कह रहे हैं सर मैंने एवरेज माना, बेटे बिल्कुल मानो, इस क्वेश्चन में मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर यहाँ पर दो दो इन्वेस्टमेंट होते तो हमें टेंशन होती, या तो एक बार इन्वेस्टमेंट खरीद रखे और उसी में से बेच रहे, चाहे तुम फीफो मान लो चाहे एवरेज मान लो, आंसर तो सेम आ रहा है, पर अगर यहाँ पे दो इन्वेस्टमेंट होते टेंशन तो तब होती ना, और उसका सोल्यूशन यही है कि क्या सिर्फ वेटेड एवरेज यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ वेटेड एवरेज, जब क्वेश्चन ने फीफो नहीं बोला तो सिर्फ वेटेड एवरेज। आपको याद है मैंने कितने सारे पॉइंट्स लिखाए थे आपको, अब इनफैक्ट कभी कभी तो शुरू में ये लगना लगा होगा बच्चों को कि यार ये तो जो है पता नहीं ये क्या करने लगे हैं, थ्योरी लिखाने लगे हैं, वो इतने सारे टेक्निकल पॉइंट्स थे। अब धनबाद कह रहे 9,02,850 आया क्लोजिंग का कॉस्ट एवरेज से, नहीं बेटे आ ही नहीं सकता, ये देखो ना ये एवरेज से तो निकाला मैंने, तुम फीफो बोल दो या एवरेज बोल लो बेटे, एक ही तो इन्वेस्टमेंट है जो खरीद रखे हैं धनबाद, जो भी बिका है वो इसी में से बिका, 12 में से बिक गए 3, जो भी बचा है वो इसी में से बचा, 12 में से बच गए 9, तो 9,26 कॉस्ट है 12,00,000 की, 9,26 कॉस्ट है 12,00,000 की, इसमें से 9,00,000 बचे हुए की कॉस्ट कितनी, वो आ गई बेटे 6,94,500, और मार्केट वैल्यू कुछ है नहीं यहाँ पे। बोलो धनबाद ओके, सारे सेंटर मुझे लिख के बताएंगे पहले, ओके एंड नोटेड, तब बात बनेगी आगे। बेटे बोलो जल्दी, ओके एंड नोटेड, तब जाके बात बनेगी, तब मुझे लगेगा कि हाँ भाई बच्चों को बात पूरी पूरी समझ में आ गई है। पटना पूछ रहे हैं 30,000 रुपए कैसे आए, पटना यहाँ पर इंटरेस्ट की डेट का ध्यान रखो, तुम बार बार जनवरी फरवरी मार्च में उलझ रहे हो, यहाँ पर 31 मार्च की डेट है ईयर के खत्म होने की और इंटरेस्ट की डेट है 1 नवंबर, तो 1 नवंबर के बाद में 31 मार्च तक कितने महीने हुए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने हो गए ना, बोलो बेटे पटना तुम्हारी बात का जवाब मिल गया, फिर मैं धनबाद की बात करता हूं। पटना बताओ,
पटना या तो आपका सेस में कोई दिक्कत है, अच्छा पटना को जवाब ओके है, अच्छा अब धनबाद, धनबाद कह रहे हैं सर वेटेड एवरेज करके दिखा दो ना, यहाँ पे बेटे वेटेड एवरेज हो ही नहीं सकता ना, यहाँ पर फीफो कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो यही है, समझो मेरी बात को भाई। देखो या तो आपको बेसिक में वेटेड एवरेज में कोई दिक्कत है या फिर आपको फीफो में कोई दिक्कत है, इनमें से कोई एक बात है। जरा देखो पटना तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट खरीदे गए बस, वो है ये बस। अब इसी में से तो ये बिक रहे हैं, तो जब कॉस्ट ऑफ सेल की बात करेंगे तो इसी में से तो आएगी कॉस्ट, इनकी कॉस्ट है 9,26,000, तो जो कॉस्ट बिके हुए इन्वेस्टमेंट की निकालनी होगी तो बेटे इस 9,26 डिवाइड बाय 12 इंटू 3,00,000 ऐसे तो निकालेंगे, और जब बचे तो बच गए कितने यहां पर क्लोजिंग में बैलेंस सीडी, क्लोजिंग में बच गई कितने की फेस वैल्यू, क्लोजिंग में बच गई बेटे 9,00,000 की फेस वैल्यू। तो अगर मैं फीफो बोलूं या वेटेड एवरेज बोलूं बेटे आंसर तो यहाँ पे सेम आएगा, यहाँ फीफो और वेटेड एवरेज का क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ तो क्या बिकी इसमें से रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अगर मान लें यहाँ पे दो इन्वेस्टमेंट होते तो फीफो तब लगाते जब क्वेश्चन बोलता, वरना ये वेटेड एवरेज ही होता, उन दोनों इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को जोड़ता, दोनों की फेस वैल्यू से डिवाइड करता, तब मैं पहुंचता। बोलो बेटे धन्यवाद, बात समझ में आई, यहाँ पर तुम कोई भी मेथड लगा लो आंसर सेम रहेगा। ओके धनबाद को क्लियर हो गया। चलिए जी अब हम चल रहे हैं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट ग्राफ में, दोनों इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं जी, जो क्वेश्चन में बना क्वेश्चन में बात करते हैं, पहले बात करते हैं सिर्फ एक शेयर्स की, मान लिया एक्स लिमिटेड है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज देखें तो बेटे एक्स लिमिटेड की बात है। पटना कह रहे 1 अक्टूबर को बचे जो 1 अक्टूबर को तो 3,00,000 बिक गए पटना, तो 1 अक्टूबर को कितने बच गए 9,00,000, और 9,00,000 ईयर एंड तक गए बेटे। देखो ना पटना 1 अक्टूबर को जो बिक गए 3,00,000 थे, तो 1 अक्टूबर से बचे हुए कितने 12-3 9,00,000 बचे हुए चले आ रहे थे बेटे, ईयर एंड तक ये 9,00,000 पहुंचे। नहीं जी बिल्कुल नहीं, अब कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी, सारी वीडियो सिर्फ यहीं पर है टारगेट के साथ में। आपको अगर डाउट है तो मुझे बताइएगा, मैं आपके सारे डाउट यहीं सोल्व करूंगा जी। क्या इस चैप्टर में डाउट आ रहा है वाराणसी? बोलो ना वाराणसी, इस चैप्टर में डाउट आ रहा है क्या? किसी बच्चे को डाउट आ रहा है क्या इस चैप्टर में? बोलो बेटे, और अगर आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है ये देखो। अच्छा मुझे पहले बताएंगे पटना, पटना तुम्हारे जवाब मिल गया, 1 अक्टूबर से बचे हुए थे 9,00,000। पटना बोलेगा पहले मुझे ओके और नोट उसके डाउट के लिए, फिर वाराणसी मुझे बोलेंगे जिन जिन बच्चों ने डाउट पूछा कि ओके और नोट। बोलो बेटे तभी आगे बढ़ेगी बात। कह रहे हैं जल्दी जल्दी, इतना जल्दी जल्दी पूरा चैप्टर चेंज हो जा रहा है तो इसलिए एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, आप एक क्लास और लगवाना चाहो लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं, दो क्लास लगवाओ, बस एक चीज का ध्यान रखना, डेली का काम डेली अगर आप करते रहोगे तो किसी चैप्टर में कोई डाउट नहीं आ सकता। वाराणसी अगली क्लास लगवा लो, उससे अगली क्लास लगवा लो, दो जी भर के लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना ये टाइम आपका है बेटे, आपके हिसाब से यूज होना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बच्चे को दिक्कत सिर्फ एक वजह से आएगी, अगर वो डेली का काम डेली नहीं करेगा। जैसे मान लिया आज अगर बोला बेटे आज 3-4 क्वेश्चन है उनको होमवर्क कर लाओ, भाई 4 क्वेश्चन तो बनते हैं ना बेटे, और अगर बच्चे ने आज ट्राई नहीं किए, कल को वो अगले 4 के साथ में पिछले 4 कर रहा होगा तो फिर दिक्कत होगी। सिर्फ इतनी सी बात करनी है, डेली का काम डेली और कुछ नहीं करना,
मैं तो ये भी कहता हूँ कि असाइनमेंट के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं. अगर कोई बच्चा खाली असाइनमेंट भी पढ़ के चले आता है ना, पूरा असाइनमेंट कर लेता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. चलिए ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी उस बात को, ठीक है ना. मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनको डालता हूँ, ठीक है, अलग से. चलिए आ गया ये बेटे. तो ये वाला, ये वाली बात तो हो गई पूरी. यस, मैं बढ़ा आगे. तो अब शेयर्स का ग्राफ बनाते हैं, करता हूं वाराणसी में कुछ है. आइए बेटे चलते हैं, किसका ग्राफ बनाने. ईयर तो यही है हमारा, 1 अप्रैल 2001 से, 1/4/2001 से 31 मार्च 2002 तक. बेटे सबसे पहली बात, क्वेश्चन ने क्या कहा इनके बारे में, ये बात है किसकी, कौन से शेयर्स, एक्स लिमिटेड वाले. इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड. लो जी बेटे क्वेश्चन ने क्या कहा, जी क्वेश्चन ने क्या कहा. सबसे पहली बात तो है 12 अप्रैल को जब 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं जो खरीदे गए 10-10 वाले और 40 लाख रुपए में खरीदे. 12 अप्रैल, ये है जी 12 अप्रैल की डेट. परचेज, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1 लाख. और बेटे कोस्ट कितने की है उनकी, यह जी 40 लाख रुपए की कोस्ट है. नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख और कोस्ट है बेटा 40 लाख. नेक्स्ट 15 मई को आई जी अगली डेट, एक्स लिमिटेड कंपनी ने बोनस इश्यू निकाला, 3 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड. सिर्फ एक्स लिमिटेड वाली बात पढ़ना बेटे, जब एक ही साथ क्वेश्चन में 3-4 तरह के इन्वेस्टमेंट दे रखे हो ना, तो एक इन्वेस्टमेंट को पकड़ो, धो डालो, बस एक इन्वेस्टमेंट को पकड़ लो. जैसे एक्स लिमिटेड के शेयर्स पकड़ ले, तो एक्स लिमिटेड के शेयर्स की बात कर रहे हैं. रेशियो क्या है, 3:2 का, 3:2. अच्छा और देखो कितने शेयर्स मिले होंगे जी उसको बोनस में, बेटे बताओ उसको कितने शेयर्स मिले होंगे. बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल सही कह रहे हो वाराणसी. वाराणसी वाले बच्चे कह रहे हैं यस सर, वर्क लोडिंग ज्यादा है, हो जाता है बीकॉम और सीए की वजह से, कॉलेज और फिर रात में 9:30 पे घर पहुंचते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है ज्यादा, सोल्व नहीं हो पाता. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट सर फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड. वेरी गुड, ये कहलाती है स्प्रिट वाराणसी. और आप करो बेटे, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन मत लो, मैं बात करूंगा. ये पूरा चैप्टर मैं आपके LMS पे डलवा देता हूँ, ठीक है. LMS मतलब कि आप वहां पर देख सकते हैं सेम वीडियो रिकॉर्डिंग. आप चिंता मत करो, आप जब इतनी मेहनत कर रहे हो, हम आपके साथ में, पूरे दिल से साथ में, ठीक है. बस करो और बिल्कुल पीछे नहीं हटना, रिजल्ट सुपर आना चाहिए बस. चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे. तो बोनस में कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, सारे बच्चे बताओ बेटे. सेस पे देखे कौन सा सबसे पहले बच्चा बताएगा. जब बोनस शेयर्स मिले 3:2 के केस में, तो कितने शेयर्स मिले होंगे, 1 लाख इंटू 3/2. पता है बेटे 1.5 लाख शेयर्स मिले होंगे हमें, 1.5 लाख, 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स हमें मिले होंगे. तो इन 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स को अगर मैं देखूं, क्या कहा बेटा, इन 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स को मैं देखूं, तो ये फ्री के शेयर्स हैं. फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्वेश्चन ने कहा, आगे कहा, इसमें से 1,25,000 बोनस शेयर्स उन्होंने बेच दिए. 1,25,000 बोनस शेयर्स बेच दिए इसी डेट पर. डेट चेंज की क्या, हाँ सेम डेट पर. तो यहां पर बेटे दो बातें हुई,
sold 125,000 shares और एट द रेट ऑफ कितने रुपए भाई 20 each 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेटे ये इनको बेच दिया तो यहां पर इनकी कॉस्ट भी घटानी है बाद में। और देखो जी क्वेश्चन में क्या कहा, एक्स लिमिटेड की बात कर रही है सिर्फ और सिर्फ एक्स लिमिटेड की। 1 दिसंबर को क्या हुआ 1 दिसंबर को बेटे डिविडेंड बांट दिया कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया कितना परसेंट 18%। लो भाई लो बच्चों 1 दिसंबर को डिविडेंड बांटा 18% का डिविडेंड बांट दिया। फिर और क्या बात हुई भाई, और भी कुछ बात हुई क्या? एक्स लिमिटेड वाली कोई भी बात नहीं हुई है बेटा, और कोई बात नहीं है। क्या मैं क्लोजिंग में इसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी है, खत्म बात। आइए फिर इसको पूरा करें। लो जी बच्चों ये रहा इधर ग्राफ और उधर करते हैं हम लोग अकाउंटिंग। सबसे पहली बात, 1,00,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे एक्स लिमिटेड वाले 40,00,000 में, तो एंट्री क्या होगी जी? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये है 2001 की बात, 12th अप्रैल टू बैंक, 1,00,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और कितने रुपए के 40 लाख रुपए की अमाउंट है जो पे की गई। लो जी बेटे इसके बाद बढ़े आगे, यस। तो अगला नंबर क्या है जी? फिर यहां पर क्या हुआ जी आगे? फिर ये बोनस शेयर्स इशू किए गए, और जब बोनस शेयर इशू हो गए तो बेटे बोनस शेयर्स की बात करो। बोनस शेयर्स इशू हो गए तो क्या ट्रीटमेंट होता है बोनस शेयर्स का? कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देने। 15 मई को क्या हुआ? बोनस इशू हुआ। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देने हैं। ओ वेरी गुड। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में हुआ ये कि इसी डेट पर सेल भी हो गई, 125,000 शेयर्स बिक गए 20-20 के भाव में। तो आइए जरा इनकी वर्किंग करने की जरूरत है। मैं यहीं पे कर दूं? हाँ मैं यहीं पे कर देता हूं। सारे बच्चे इधर देखेंगे, ये इतना पोर्शन है जिसके अंदर हम इसकी वर्किंग करेंगे। कौन से वाले वर्किंग करेंगे? सेल वाली। सबसे पहली बात बच्चों क्या, सेल्स अमाउंट कितनी है भाई? 125,000 इंटू 20, ये कितने रुपए की आ गई भाई? 2,50,000 नहीं, 25,00,000 रुपए आ गई जी। सबसे पहली बात तो बेटे 25,00,000 रुपए की आ गई सेल्स अमाउंट। अब इसमें से हमें क्या घटाना है जी? माइनस कॉस्ट घटानी है, कॉस्ट घटानी है। धनबाद, आपने मुझसे वेटेड एवरेज और फीफो के बारे में कुछ बात हो रही थी ना, वाराणसी और बाकी सब सेंटर भी बताएंगे। इन 1,25,000 की कॉस्ट कितने की होगी? ध्यान रहे हमारा जो है वो वेटेड एवरेज रहता है, कुछ नहीं बताए तो सारे बच्चे बताएंगे। इनकी कॉस्ट कितने की है देखते हैं, कौन सा सेंटर सबसे पहले बताएगा, आज वो सबसे ज्यादा बड़ा शाबाश वाला सेंटर कहलाएगा जो सबसे पहले बताएगा इनकी सही कॉस्ट कितने की है। पटना कह रहे हैं 4,00,000, बेटे बाकी सब सेंटर भी ट्राई करें, देखते हैं कौन सा सबसे शाबाशी वाला सेंटर होगा। इन 1,25,000 जो शेयर्स बिक रहे हैं इनकी कॉस्ट निकालो जी।
बेटे निकालो वेटेड एवरेज कॉस्ट, कितने रुपए की कॉस्ट है देखो जरा, ये देखो ना वेटेड एवरेज, ये कॉस्ट बन जाएगी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की, तो निकालो फटाफट और बताओ जी कितने का प्रॉफिट है या लॉस है। पटना ने बताया 20 लाख, आ जाओ जी जरा, है सर ये ना सर 4 क्लास LMS पे जानी है। ₹40 लाख कॉस्ट है कितने की, ₹2.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स की, तो इसमें से इन 1,25,000 की कॉस्ट कितनी है, वेरी गुड, सबसे बढ़िया आंसर पटना का आया था, वेरी गुड, फिर धनबाद का है, शाबाश बेटे, ₹20 लाख इसकी कॉस्ट है, तो 5 लाख का क्या हुआ जी यहाँ पे प्रॉफिट है। बच्चा पता क्या गलती करेगा, क्या सर बच्चा गलती करता है, वो कहता है तो बोनस वाले बेचे, मैंने कहा तो सर बोनस वालों में पैसे कहां लगे थे, कॉस्ट होना थी कुछ उनकी, अरे भाई बोनस होने से सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, और हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो किसका रहता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट का, वेटेड एवरेज कॉस्ट का रहता है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट करने से क्या होता है कि ओवरऑल कॉस्ट एवरेज में घट जाती है, बाई बैंक कितनी फेस, कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 1,25,000 शेयर्स गए, और कितने में गए, 25 लाख में गए बच्चों, हाँ जी नहीं अभी बोला नहीं बच्चों को, कल डल जाए, कल डलवा दो बच्चों, छुट्टी रहेगी ना, बच्चा ना होमवर्क कर लेगा, ये है बस बात, वो ये ना प्रॉब्लम यही है ना, स्पेस फुल है और वो जो करते हैं वो है नहीं। चलो आगे, चलो जी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और क्या बात रह रही है इसमें, डिविडेंड 18% डिविडेंड मिला जी, 18% डिविडेंड मिला बेटे, 18% डिविडेंड मिला, निकालो जी 18% डिविडेंड, बेटे कोई बच्चा बताएगा मेरे को डिविडेंड कितने रुपए का है, इनके केस में डिविडेंड 18% इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स पर 18% डिविडेंड, पहला क्वेश्चन कितने शेयर्स में मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन कितने रुपए का मिलेगा, एक बच्चे ने बताया मेरे को 4,95,000, हाँ जी एक बच्चे ने बताया मेरे को 4,95,000, गलत बोल गए दोस्त, हाँ जी बोलो ना, एक ही बच्चे ने बताया बस पटना वाले ने, बेटे बाकी बच्चे प्लीज बताएं,
450,000 बेटे, पता है 450,000 जब आप बोल रहे हो तो इसका मतलब पता है क्या है, आप उसमें डिविडेंड वाला भी काउंट कर रहे हो जब बोनस शेयर्स पे मिल रहा है ना। ध्यान रहे, वैसे बोनस शेयर्स पर डिविडेंड अलाउ नहीं है ऐसे, क्योंकि ये तो नए शेयर्स हैं इसी साल। मैंने सॉल्यूशन आपको ये वाला दे रखा है किताब में, जो सॉल्यूशन इसके अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग, जहां पर बोनस शेयर्स भी एंटाइटल है, किसके लिए, डिविडेंड के लिए। मैं आपको सही सॉल्यूशन करा रहा हूं। जरा सोचो, ये तो शेयर इसी साल, ये तो नए पेड़ हैं, पुराने पेड़ पे फल आ रहे हैं बेटे, और वो पेड़ भी हमारे हाथ में अभी लगे थे। आपको पता है हमने ये 1,00,000 शेयर्स जो है ना, 1,00,000 शेयर्स, ये 1,00,000 शेयर्स, 1,00,000 शेयर्स ये हमने इसी साल खरीदे। सबसे पहली बात ध्यान दो जरा कॉन्सेप्ट पे, सॉल्यूशन पे सिर्फ उतना सहारा लिया करो जितने में आपको बात बन जाए। आप कॉन्सेप्ट से कभी मत टकराना, अपना कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग रखो। मेरे आंसर इसीलिए इंस्टीट्यूट के कई सारे सजेस्टेड से अलग होते हैं, लेकिन नंबर अपने पे कभी कटेगा नहीं, कभी नहीं कटता, क्योंकि बेटे सजेशन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूट अपने कॉन्सेप्ट के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। जरा समझो मेरी बात को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कई लोग इसको यहाँ पर। भाई सीधी सी बात है, डिविडेंड मिल रहा है 18%, क्या ये इंटरिम है? नो। क्या ये इंटरिम है? नो। क्या ये फाइनल है? यस। सबसे पहली बात तो इस बात को ध्यान दो, मैं बोलता जाऊंगा और आप सुनते जाना, बस दो मिनट की बात है। क्या ये डिविडेंड इंटरिम है? नो। क्वेश्चन ने नहीं दिया इंटरिम, तो हम क्या मानेंगे? फाइनल है। तो एक बात तो पक्की है, फाइनल डिविडेंड है। अब ये फाइनल डिविडेंड इसी वाले साल का हो सकता है क्या? नो। इसका मतलब ये पिछले साल का है। पहली बात, क्या ये इंटरिम है? आंसर इज नो, इसका मतलब फाइनल है। दूसरी बात, क्या ये इसी साल का फाइनल हो सकता है? नो, फाइनल हमेशा लास्ट ईयर के लिए होगा। तीसरी बात, ये डिविडेंड कितने शेयर्स पर मिलेगा? कितने शेयर्स पर मिलेगा? कौन से शेयर्स पर मिलेगा? वो शेयर्स जो इसी साल कंपनी ने नए शेयर्स निकाले उन पर मिलेगा क्या? कभी भी नहीं। वो शेयर्स जो पहले से कंपनी की बैलेंस शीट में होंगे पिछले साल, उन पर मिलेगा। वो शेयर्स हमने इस साल कुछ शेयर्स खरीद लिए, क्योंकि बेटे वो शेयर्स तो बैलेंस शीट में पहले से थे, ये कोई नए शेयर पैदा नहीं किए कंपनी ने, नए शेयर इशू नहीं किए, ये तो घूम रहे थे किसी के पास में और हमने खरीद लिए पैसे दे करके। ये तो कंपनी ने निकाले इसी साल है, तो इन पर डिविडेंड नहीं मिल सकता। सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखा है वो वाला सजेशन जो इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े एक्सपर्ट ने दे रखा है, अब आप खुद ही देखो। तो बोनस शेयर्स तो भाई नए शेयर्स है, इन पर डिविडेंड कैसे मिल सकता है? सबसे पहली बात। दूसरी बात, डिविडेंड किस पे मिलेगा? इसी पर मिलेगा, और ये शेयर जो है इसी साल एक्वायर किए, मतलब इन पर मिलने वाला डिविडेंड प्री होगा कि पोस्ट होगा? बोलो बेटे, प्री होगा या पोस्ट होगा? देखे कौन सा बच्चा मुझे सबसे पहले बताएगा, इन पर मिलने वाला डिविडेंड प्री होगा या पोस्ट होगा? इन पर मिलने वाला डिविडेंड प्री होगा या पोस्ट होगा? बिल्कुल गलत जवाब वाराणसी। बेटे करंट ईयर देखो कब से शुरू है, 1 अप्रैल से, और बेटे हमने कब खरीदा इनको? 12 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल को हमने खरीदा और खरीदते ही पैसे की बारिश हो गई इसी साल। तो इस साल जो हमें मिला डिविडेंड वो कौन से वाले पीरियड के लिए मिला? ये इंटरिम नहीं है, ये फाइनल है। फाइनल मतलब पिछले साल खत्म होने वाले ईयर के लिए, 31 मार्च 2001 को खत्म होने वाले ईयर के लिए मिला, और वो पीरियड प्री एक्विजिशन पीरियड है बेटे, जिसके लिए डिविडेंड बांटा गया। इन शेयर्स को खरीदने से पहले वाले पीरियड का डिविडेंड है, इसलिए वो डिविडेंड प्री एक्विजिशन बनेगा। बताओ बेटे ये डाउट ओके है कि नहीं? वाराणसी, सॉल्यूशन पर मत जाना, सॉल्यूशन तो मैं आपको वही छाप के दे रहा हूं जो इंस्टीट्यूट ने छाप रखा है। इन पर मिलने वाला डिविडेंड 1,80,000 है, जो बेटे प्री बनेगा किसी हाल में भी, मैं इसको पोस्ट नहीं मान सकता सर। खाली तो बाई बैंक यह है जी, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, और कितने रुपए का डिविडेंड? 1,80,000 रुपए का डिविडेंड। दरअसल यहां पर इंस्टीट्यूट ने एक अजम्पशन लगा रखी है। हाँ, एक धनबाद पूछ रहा है, एक डाउट पहले वो ले लूं, बड़ा अच्छा डाउट है सर, अगर ये ओपनिंग बैलेंस होता तो पक्का पोस्ट होता, फिर तो मानते हमने पिछले साल ही खरीद लिए थे, है ना।
हाँ तब तो बेटे पक्का पोस्ट होता धनबाद। हाँ दरअसल इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे एक अजम्पशन लगाते हैं हमेशा, लेकिन बेटे कॉमन सेंस से ऊपर तो नहीं हो सकती ना अजम्पशन। भाई अजम्पशन भी कहाँ पे लगाएंगे, जहां पर उसकी जरूरत हो, या आंख बंद कर लेंगे अजम्पशन लगा के, एज्यूमिंग की सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, एज्यूमिंग की सारे बच्चे रैंक लाने वाले हैं। हाँ सारे बच्चे रैंक वाले हैं, लेकिन मेहनत भी तो ऐसी करें, कॉमन सेंस से ऊपर तो नहीं बात होगी ना। अगर बच्चा होमवर्क नहीं करके लाएगा तो फिर उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यही बात मैं यहाँ पे कहता हूँ बेटे, यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है। क्या हमारे को इंस्टीट्यूट ने बोल रखा है कुछ ना बोले तो डिविडेंड मतलब की इनकम है, पोस्ट एक्विजिशन है, ठीक है जी अच्छी बात है, लेकिन कॉमन सेंस भी तो यूज करनी है। जब शेयर्स खरीद इसी साल रहे हैं और ये डिविडेंड इंटरिम नहीं है, जब शेयर्स खरीद इस साल रहे हैं और ये डिविडेंड इंटरिम नहीं है, क्योंकि इंटरिम होता तो क्वेश्चन बताता, तो ये पक्का फाइनल है और फाइनल होने की वजह से एक्विजिशन से पहले पीरियड का होगा, ठीक है। तो बेटे कॉमन सेंस से ऊपर नहीं है कुछ भी चीज, एक बिल्कुल जो साफ साफ इंप्लाइड चीज है उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, सिर्फ इस बात को एक पल्ले गांठ मार के कि कुछ ना बोले तो इंस्टीट्यूट ने बोला है डिविडेंड को पोस्ट एक्विजिशन मानना, मानना तो पोस्ट एक्विजिशन वाला दिखना भी तो चाहिए ना ऊपर। तो आगे बढ़ते अगली बात। हाँ जी अगली बात बेटे, 180,000 और क्या बचा, बस ईयर एंड आ गया अब तो 31 मार्च को क्या हुआ, इनकी कोस्ट बच जाएगी जी। कितना है ये, 2.5 लाख शेयर्स आए थे, ठीक है, और 2.5 लाख शेयर्स में से 1,25,000 चले गए थे बाई बैलेंस सीडी 31 मार्च 2002। 1,25,000 शेयर्स हैं और बेटे उस पर उसकी कोस्ट कितने की होगी, वही 20 लाख की बैठेगी, 20 लाख। और क्या इसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है, नो, अगर मार्केट वैल्यू दी होती तो हम उसको पक्का हम क्या करते, कंपेयर करते। अभी बता देता हूँ 1,80,000 दोबारा से कि कैसे आया, कितना है, 45 लाख है ना, 25 + 18 + 20, कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा 25 लाख + 1,80,000 + 20 लाख 46,80,000, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, बीस लाख की है ना प्रॉफिट हुआ ना उस पर, हाँ, और 1,80,000 क्या रिकवरी ऑफ कॉस्ट, ओहो रिकवरी ऑफ कॉस्ट हो गई ना, यस ये तो रिकवरी ऑफ कॉस्ट हो गई। अब रिकवरी ऑफ कॉस्ट हो गई तो यहाँ पे कॉस्ट भी तो घट गई, तो 20 में से घट गई 1,80,000 की कॉस्ट, ये आ गई 18,20,000, 18,20,000 और प्लस 1,80,000 प्लस 25 लाख, डन, ठीक है। हाँ जी, तो एक बच्चा पूछ रहा है 1,80,000 आया कैसे, 1,80,000 आया कैसे, 1,80,000 बेटे ऐसे आया कि शेयर्स कौन से थे जिसपे डिविडेंड मिलना, वो है धनबाद 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 है जो शुरू वाले, शुरू में हमने खरीदे, इन पर मिलेगा, क्योंकि बोनस शेयर्स तो एकदम नए शेयर्स हैं और ये शेयर्स पुराने शेयर्स थे, किसी और के हाथ में थे, खरीदे हमने इस साल, ठीक है धनबाद, तो हमें डिविडेंड किस पे मिलेगा, इन्हीं पे मिलेगा। सॉल्यूशन जो आपको गिवन है उसमें इन बोनस शेयर्स पर भी डिविडेंड एलिजिबल माना गया कि इन पर डिविडेंड मिलेगा, तब क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो हम तब तक नहीं मानते जब तक क्वेश्चन नहीं कहता साफ साफ। हाँ जी, तो 1,00,000 पर हम लगाएं, 1,00,000 शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए के हिसाब से 10,00,000, 10,00,000 का 18% 1,80,000, ऐसे आया धनबाद 1,80,000, 10,00,000 फेस वैल्यू का 18%। मुझे बोलो बेटे ओके एंड नोटेड, तब मैं आगे बढ़ूंगा, बोलो बेटे ओके एंड नोटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैंने इसके लिए प्रॉपर एक अलग क्लास ली है, कि मैंने कहा इसके लिए जरा थोड़ा अलग से देखने की जरूरत है। हाँ जी ओके एंड नोटेड चाहिए मुझे, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा बोलो कि सर वहां पे से दोबारा समझाना। अट्ठारह लाख बीस हजार कैसे आया सर, वो ऐसे आया दोस्त क्योंकि बचे हुए 1,25,000 की कोस कितनी है, यहाँ फेस यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स बच रहे हैं, वो बच रहे हैं 1,25,000, तो इनकी कोस कितने की है,
कोस्ट, बची हुई कोस्ट थी बेटे 20 लाख, लेकिन इस 20 लाख में से कुछ रिकवरी भी हो गई अभी अभी। काश ये डिविडेंड पहले पहले मिल जाता, काश ये डिविडेंड इन शेयर्स के बिकने से पहले मिल जाता तो कोस्ट की रिकवरी मानी जाती। यहां पे कितना बचा, 18,20,000। तो ये रिकवरी किसकी है, कोस्ट की। कोस्ट की अब बची हुई कोस्ट कितनी है, बची हुई कोस्ट भी 20 लाख है, क्योंकि 2.5 लाख में से 1/25 तो गए बिक, तो 2.5 लाख की जो कोस्ट थी उसमें से आधी कोस्ट तो यहीं पे इनसे बात हो गई, और बाकी बची हुई कोस्ट है 20 लाख, उससे बात करेंगे। नहीं होगा 1,80,000 इनकम में, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा पटना, ठीक है। धनबाद आप बताओ 18,20,000 अब ओके है कि नहीं। मैं पहले बोल रहा हूं बेटे, मेरा सॉल्यूशन अपने दिए हुए सॉल्यूशन से रीजन मैं बता रहा हूं ना लॉजिकली एकदम अलग है। उसके पीछे ये रीजन है कि इंस्टीट्यूट में जो आंसर सजेस्टेड कर रखा है, हम जैसे दूसरे सीए लोगों ने जो या तो टीचर है या राइटर है या कोई भी है सजेशन में, तो उन्होंने अपना सजेशन दे रखा है कि मेरे हिसाब से ये आंसर इसका होना चाहिए। वो कोई कंप्लायंस नहीं है उनपे, कोई मैंडेटरी वो नहीं रहते, बाउंडिंग नहीं रहती कि उन्होंने गुनाह कर दिया उन पर केस चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ सजेशन होते हैं, ठीक है। और हमारा इंस्टीट्यूट का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो AS 13 का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, हम उसके अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं जाएंगे। मुझे जल्दी से बताएं दो बातें, एक तो ये क्लोजिंग बैलेंस ओके है कि नहीं, और दूसरी बात ये 1.80 का डिविडेंड प्री एक्विजिशन क्यों हुआ, ये बात ओके है कि नहीं। धन्यवाद कह रहे हैं क्लियर हो गया है। चलिए तो अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड में। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड में बेटे मैं चाहता तो इसको 2 मिनट में खत्म कर देता, ये कह के कि बेटे कुछ ना बोला है, चलो पोस्ट मानो, पोस्ट मानो, सारे के सारे खुश होके आंसर बढ़ा देते अपनी बुक से, कहते अरे वाह ये तो आंसर मैच हो गया हमारा, ठीक है ना, वो आंसर दिया तो मैंने ही है। और मैं आपको क्लास में बेटे क्यों करा रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि मुझे पता है कि नंबर कहाँ से खींचने हैं औरों के कंपैरिजन में, सब लोग वही करके आ रहे होंगे और आप AS का बेस लेकर के चल रहे हैं एकदम स्ट्रोंग। आइए जी अगला पॉइंट, बाकी बचे इन्वेस्टमेंट कौन से हैं भाई, इक्विटी शेयर्स ऑफ कौन सा है बेटा, ये सी लिमिटेड, और ईयर कब से कब तक स्टार्ट है, 1/4/2001 और 31 मार्च 2002। आगे चलो जी, आगे चलो, अगले पॉइंट पे बढ़ते चलो। 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 बेटे जरा देखो पहली बार कब मुलाकात हुई इक्विटी शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड से, मिल गया जी मिल गया, 1 जुलाई को मिल गया, 1 जुलाई 2001 को 50,000 इक्विटी शेयर्स परचेज किए गए। लो जी 1 जुलाई 2001 को इक्विटी शेयर्स परचेज किए गए जी, परचेज्ड, फेस वैल्यू ना 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 ना, नंबर ऑफ शेयर्स 50 है ना, हाँ 50,000, और उनकी कोस्ट कितने की है बेटा, एट द रेट ऑफ 7.75। क्या ये एक्स और कम इंटरेस्ट हो सकता है, नो no, क्योंकि ये शेयर्स है। अच्छा इसके बाद में कब है, जनवरी 1 को एंट्री है बेटे, जनवरी 1 फर्स्ट जैन को क्या हुआ, राइट इशू हुआ, अधिकार जारी किया गया, वो भी किस रेशो में बेटा, 1:2, यानी कितने राइट मिले, कितने राइट अलाउड है, अलाउड कितने राइट अलाउ किए गए थे भाई, 50,000 शेयर्स पर 1/2 के हिसाब से, चाहे तो वो 25,000 शेयर्स को खरीद सकते थे, कितना 25,000 राइट मिल गए उसको, कि वो चाहे तो 25,000 शेयर्स खरीद सकता है सस्ते में। अच्छा और उसने क्या किया भाई, उसने सारा राइट बेच दिया, कमाल है देखो बेटे कमाल है गजब,
उसने क्या किया बेटा, सारे ही राइट को बेच दिया, कह रहा हमें नहीं चाहिए कोई राइट वाइट. अच्छा, ऑल राइट सोल्ड एट द रेट ऑफ 2.25 रुपीज पर राइट. बच्चा क्या गलती करता है, बच्चा सोचता है कि राइट शेयर्स बेचे तो जी कितने रुपए मिले जी उसको, 25,000 इंटू 2.25, 56,250, 56,000 बेटा 250, ये रिकवरी हुई बच्चों, 56,250. अच्छा, इसके बाद क्या बात हुई, सी लिमिटेड के यहां पर डिविडेंड बटा 1 मार्च को लो जी 1 मार्च को डिविडेंड बांटा वो भी कितना, 12.5% 12.5% डिविडेंड बांटा जी, बस खत्म. मार्केट वैल्यू दे नहीं रखी, करते आओ बच्चों. तो सबसे पहले डेट है अपनी 1 जुलाई. 1 जुलाई को कितने शेयर्स खरीदे, 50,000, और कितने के भाव में, 7.75 रुपए. 50,000 इंटू 7.75, 387,500. कौन सी डेट है, 1 जुलाई. नो बेटा, टू बैंक 50,000 शेयर्स और अमाउंट है 3,87,500 रुपए. 3,87,500 रुपए. आगे चलो बेटे, अगली डेट कौन सी है जी, अगली डेट है अपनी राइट की 1 तारीख की. 1 तारीख, हाँ जी, 1 तारीख को क्या हुआ बेटा, 1 तारीख को क्या हुआ, 1 तारीख को, 1 जनवरी को राइट बेच दिए. जरा देखना फटाफट से, मुझे बताएंगे बच्चे, ये जो बेचने से रिकवरी हुई है 56,250 की, मुझे सारे बच्चे बताएंगे क्या बताएं सर, मुझे सारे बच्चे बताएंगे क्या बताएं सर, ये 56,250 मैं इनकम में डालूं या रिकवरी ऑफ कॉस्ट में डालूं, ये 56,250 मैं बैंक डेबिट टू इनकम करूं या बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट करूं, सारे बच्चे बताएंगे. देखते हैं सबसे अच्छा बच्चा कौन सा सेंटर है. बोलो बेटे. हाँ जी, धनबाद, लक्ष्मीनगर, पटना, वाराणसी, जल्दी बताओ इस 56,250 का मैं क्या करूं. मैं इसको इनकम मानूं या फिर बेटे मैं इसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानूं. पटना कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट में डाल दो रिकवरी बोल के, वाराणसी और धनबाद कह रहे हैं कि इनकम में डाल दो, लक्ष्मीनगर कह रहे हैं हम तो नहीं बताएंगे. क्यों लक्ष्मीनगर, तुम नहीं बताओगे. चलिए, बिल्कुल सही जवाब है वाराणसी का और धनबाद का. इसका मतलब है कि उन्होंने आंसर को नहीं, उन्होंने अपने मन से सही ढंग से कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही समझा है. क्योंकि बेटे ये सॉल्यूशन जो दे रखा है ये अमेंडेड नहीं है, ये सॉल्यूशन एज पर ओल्ड बेसिस है. और मैं आपको करा रहा हूं क्लास में लेटेस्ट, ये जो उन वाली वीडियोस में ये पुराने सॉल्यूशंस को डिस्कस किया गया है, यहां पर हम बात कर रहे हैं एकदम लेटेस्ट. हमारे लिए कहां पे आएगी ये इनकम, क्यों आएगी, हमने पढ़ा तो था क्या कि हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस पहले कितना है और मार्केट प्राइस बाद में कितना है, और क्या मार्केट प्राइस गिरा है, अगर गिरा है तो बुक वैल्यू से नीचे गिरा है क्या. बेटे इस क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दे ही नहीं रखा, तो मैंने याद है आपको एक क्वेश्चन कराया था
क्या कि अगर मार्केट प्राइस के बारे में कुछ नहीं बताए तो हम ये मानते हैं कि वो नहीं गिरा है और सारे की सारी चीज को क्या मान लेते हैं, इनकम। हाँ जी, डेट कौन सी है? फर्स्ट जैन क्या मानेंगे बेटे इसको हम? इनकम बाय बैंक। सेल्स काम नहीं कर रहा है। 56,250 बेटा, 56,250। कहां पे जाएगा बच्चों? इनकम में जाएगा। आओ बेटे आगे बढ़े। अब बात होगी किसकी? डिविडेंड की। डिविडेंड की देखें कौन बताए। लो बेटे देखें कौन बताए। क्या बताएं सर? मैं ये कह रहा हूं कि देखें कौन बताए कि ये जो है डिविडेंड 12.5% ये कौन से शेयर्स पे मिलेगा? सबसे पहली बात डिविडेंड ये फाइनल है कि इंटरिम है? पहले तो ये बताओ, ये डिविडेंड इंटरिम है कि फाइनल है? बोलूं मैं आंसर? आंसर इज ये फाइनल डिविडेंड है क्योंकि इंटरिम नहीं बताया है। दूसरी बात, ये कौन से वाले शेयर्स पे मिलेगा? ये तो अभी नए नए शेयर्स है मार्केट में, इनकी बात करेंगे ही नहीं और ना हमने खरीदे तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं उठता। ये किस पे मिलेगा? इन वाले शेयर्स पे मिलेगा। दूसरी बात है ये किस पे मिलेगा? 50,000 शेयर्स पर। अब बेटे तीसरी बात और सबसे लास्ट बात, वो मुझे आप बताओगे कि ये प्री है। वेरी गुड धनबाद, वेरी गुड वाराणसी, वेरी गुड, शाबाश बेटे, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो मुझे तीसरी बात बताओ, ये जो डिविडेंड है क्योंकि ये फाइनल है, ये बात तो पक्की है, ये इन पे मिलेगा, ये बात भी पक्की है, इन पर मिलने वाला डिविडेंड प्री है कि पोस्ट है? वेरी गुड वाराणसी, पहले समझ गए थे कि मैं क्या पूछने वाला हूं। इन पर मिलने वाला डिविडेंड प्री एक्विजिशन है, शाबाश धनबाद, प्री एक्विजिशन है जी, क्योंकि ये तो खरीदे हमने अभी है। वेरी गुड। और जो सॉल्यूशन जहां पर भी इसका पड़ा हुआ है, चाहे यहां पर, चाहे स्टडी बैट में, चाहे किसी फेमस राइटर की बुक में, बेटे वो पुराने धर्रे पे पड़ा हुआ है। उन्होंने इसको कहां पे डाल रखा है? इनकम में डाल रखा है। बाद में आप सॉल्यूशन कहीं देखोगे और कंफ्यूज मत हो जाना, उन्होंने पुराना सॉल्यूशन डाल रखा है, बहुत पहले चेंज आ चुका था, बाई बैंक। उन्होंने इसको इनकम में डाल रखा है, नाम नहीं लूंगा प्रोफेशनल रीजन की वजह से, बेटे हमें इनकम में नहीं डालना है। कहां पे डालना है? प्री एक्विजिशन वाला डिविडेंड मान करके रिकवरी ऑफ कॉस्ट में। कितने रुपए है जी ये आया? जी कितने रुपए आया था? वो कह रहे हैं ग्राफ दिखा दीजिए, अभी दिखाता हूं, एक मिनट। 50,000 × 10 × 12.5% 62,500। लो भाई 62,500 रुपए। ये लो जी, आप ग्राफ को दोबारा देख लो, अच्छे से देखो, इसीलिए कहता हूं बेटे ग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंस है। कई सारी ना कह सकी बातें भी आ जाती है कहां पर? ग्राफ में। मैं डिविडेंड का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता देता हूं दोस्त, यहां पर जो डिविडेंड मिला है, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता इंटरिम तब तक हम हमेशा क्या मानते हैं? फाइनल है। तो पहली बात, ये डिविडेंड कौन सा है? फाइनल है। सबसे पहली बात, ये डिविडेंड कौन सा है? फाइनल है, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बोला है, इंटरिम है। अब दूसरी बात ये किन वाले शेयर्स पे मिलेगा? जो पिछले साल कंपनी की बैलेंस शीट पे रहे होंगे। तो पिछले साल कंपनी की बैलेंस शीट पे जो रहे होंगे वो पुराने शेयर्स रहे होंगे, और ये शेयर्स तो कंपनी ने इसी साल निकाले, हमने खरीदे नहीं, फिर तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं उठता। पर हो सकता है हम किसी क्वेश्चन में खरीद रहे हो, तो इन पर हमें वैसे भी नहीं मिलता, ना राइट पे ना बोनस पे, क्योंकि वो नए शेयर्स होते हैं। तो पुराने साल की बैलेंस शीट में कंपनी के यहां पर थे कुछ शेयर्स, उनमें से हमने कुछ अभी खरीद लिए, इसी साल खरीदे हैं, ठीक है? तो पहली बात, ये डिविडेंड फाइनल है। दूसरी बात, हमें किन पे मिलेगा? इन वाले शेयर्स में मिलेगा। अब तीसरी बात, हमें जो डिविडेंड मिल रहा है इन वाले शेयर्स पर, वो डिविडेंड इनके खरीदने के बाद वाले पीरियड के लिए मिल रहा है या प्री एक्विजिशन वाले पीरियड के लिए मिल रहा है?
ये तो बेटे प्री वाले पीरियड के लिए मिल रहा है, इसलिए इन पे आने वाला ये डिविडेंड जो फाइनल है ये पिछले वाले पीरियड के लिए मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और ये कहां पे आएगा? रिकवरी ऑफ कॉस्ट में, बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मैंने कहां डाला इसको? इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम में डाला। आई होप कि बच्चों को इतनी बात ओके है। अब इसके अलावा बेटे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। इस क्वेश्चन में मेरे को इसलिए जरूरी था क्लास में कराना क्योंकि ये सॉल्यूशन काफी फेमस राइटर की बुक में पड़ा हुआ है जो बिल्कुल गलत है, एकदम सरासर गलत है, और आप खुद ही देख सकते हो, डिस्कस करते करते आपको खुद ही पता चला है। हाँ जी, क्या इन्वेस्टमेंट बेचे थे? नहीं, बाय बैलेंस सीडी। हाँ जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है धनबाद, मैं सारी इम्पोर्टेंट चीज क्लास में ही करा रहा हूँ बेटे। आप ये तो बोला ही मत करो कि कोई चीज इम्पोर्टेंट है या नहीं है, हमारा सारा सिलेबस इम्पोर्टेंट है। हम 100 नंबर की कोशिश कर रहे हैं ना, तो 100 नंबर का 100 नंबर इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचना कि कोई चीज लेस इम्पोर्टेंट है, कभी कोई चीज लेस इम्पोर्टेंट नहीं होती। 100% की उम्मीद तब करेंगे जब 100% की तैयारी रखेंगे। 2 P&L, लो भाई। तो मैंने माना बच्चों का भी यहां तक ओके है। अब भाई डिबेंचर के कोई डाउट वाउट बच्चे बता रहे थे, तो इसको नोट करने के बाद आप मुझे फटाफट से डिबेंचर के डाउट बताओ कि इस बच्चे को डिबेंचर में डाउट था, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स के डाउट। किसी बच्चे को इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर में कोई डाउट है क्या? फिर मैं वरना चलता हूं फिर अपने इंश्योरेंस क्लेम के क्वेश्चन पे। और मैंने कल बोल दिया था 24th क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब कि उसमें डाउट आना चाहिए था बच्चों का। अगर बच्चे ने नहीं पूछा है तो यानी बच्चे ने वो ट्राई नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए जी। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है एक बच्चे को। बोलो बेटे, पूरा शेयर पर डिविडेंड कब से मिलेगा? पुराने शेयर्स पर डिविडेंड कब से मिलेगा? ऑफ कोर्स पुराने वाला मिलेगा, ठीक है, पुराने वाला। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी पूछो जी, क्वेश्चन नंबर 7 का डाउट पूछो जी, क्या डाउट है? तो मैं हटा दूं, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 7 है जी, एक बच्चे ने पूछा क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट क्या है बेटे इसमें, ये बताओ जरा। तो धनबाद ने लिखा क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट जो है, नॉमिनल वैल्यू 1 NIV 1 का अमाउंट, अच्छा नवंबर 1 कहना चाहते होंगे शायद, एंड अच्छा नवंबर 1 की अमाउंट और 31 दिसंबर का अमाउंट कैसे आया,
ठीक है, तो इनका डाउट है, क्या डाउट है, नवंबर 1st और दिसंबर 31st की अमाउंट कैसे आई, ये इनका डाउट है। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, अमाउंट कैसे आई। एक तो नवंबर 1st की अमाउंट 28,650 है ना, नवंबर 1st 28,650, नवंबर 1st, इसका ग्राफ है क्या, ग्राफ तो बनाना पड़ेगा लग रहा है, चलो कोई नहीं, नवंबर 1st और दिसंबर 31st। अप्रैल, फिर जून, जून 1, जून 30, नवंबर 30 को खरीदा, नवंबर 1 को बेच दिया, 28,650 में बेचा ना। तीन सौ डिबेंचर्स बेचे और कितने के भाव में, दे तो रखा 28,650। अच्छा शायद इंटरेस्ट पूछ रहा होगा बच्चा, 300 × 100 × 12% इंटू डेट कौन सी है, डेट कौन सी है इंटरेस्ट की, 30 जून, 31 दिसंबर, नवंबर है ना, तो इंटू 4/12। हाँ जी बेटे, अब मैं आपका डाउट लेता हूं। सबसे पहले नवंबर 1st की अमाउंट की मैं बात करता हूं। ये पूछा था धनबाद ने, धनबाद दोनों ही डेट्स के पीएनएल में प्रॉब्लम है। अच्छा पीएनएल में प्रॉब्लम है, लो जी कोई बात नहीं दोस्त, आ जाते हैं। पहले नवंबर 1st की बात करते हैं, नवंबर 1st को क्या हुआ, अच्छा ये अमाउंट कौन सी, अमाउंट ऑफ पीएनएल जिसमें डाउट है, लो बेटे कोई बात नहीं, यहां पर देखो ना सेल्स अमाउंट कितनी है, सेल्स अमाउंट कितनी है ये देखो। सबसे पहली बात तो बेटे 30,000 की फेस वैल्यू की सेल्स अमाउंट दे रखी है 28,650 रुपए, और फेस वैल्यू कितनी है जो सोल्ड की गई नवंबर 1st को, 30,000 की फेस वैल्यू है जो बेची गई। सबसे पहली बात, अब इसकी क्या निकालनी है हमें, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सोल्ड इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ सोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो देखो जरा यहां पर फीफो है कि लीफो है कि एवरेज है, वेटेड एवरेज है, यहां पर बेटे सीधी सी बात है, सीधी सी बात है बेटे, यहां पे क्वेश्चन ने बोल रखा है फीफो के लिए, फीफो के लिए बोल रखा है, ठीक है। आइए जी, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले देखो कितने रुपए की आई थी यहां पे फेस वैल्यू, शुरू में थी जी 40,000 की फेस वैल्यू, और बच्चों उसकी कॉस्ट कितने की थी, कॉस्ट उसकी कॉस्ट है बेटे 50,000 की कॉस्ट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसी में से तो निकली होगी ना कॉस्ट, कितने की फेस वैल्यू बिकी 30,000, तो यहां पे कॉस्ट कितने की आएगी, 50,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 30,000 की फेस वैल्यू, तो ये कितने की आ गई जी, 50,000 इंटू 3/4 है, 37,500 रुपए की इसकी कॉस्ट आ गई बेटा। तो जब आप इसको घटाएंगे इसमें से तो आपका 8,850 का क्या आएगा, यहां पे लॉस आएगा जी, तो ये तो आपकी अमाउंट है जो पीएनएल में जाएगी जी, कहां पे जाएगी, पीएनएल में डेबिट होगी। पहले मुझे इसकी बात बताओ जी, हाँ जी दोस्त धनबाद मुझे ये वाली बात बताओ, आपका ये वाला डाउट ओके है, बोलो जी धनबाद जी, नवंबर 1 ओके है, ओके है,
आइए अब 31 दिसंबर पे चलते हैं। 31 दिसंबर का मतलब है बेटे बची हुई कोस्ट, सीधी सी बात है बची हुई कोस्ट। और बची हुई कोस्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा कितने कितने की कोस्ट बची हुई है। जैसे 40,000 की शुरू में थी, हाँ थी, फिर यहाँ पे से कितनी की फेस वैल्यू चली गई थी, ये देखो ना, ये डेट कौन सी थी, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को हमारे पास में जो चीजें थी वो थी 40,000। अब मैं आता हूँ आपके इस वाले डाउट पे, दिसंबर 31 पे। तो दिसंबर 31 के डाउट पर आता हूँ, तो यहाँ पर पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी। दिसंबर 31, ठीक है, तो सब की क्लोजिंग वाले की अमाउंट में डाउट है पीएनएल में। तो सबसे पहली बात है बेटे कोस्ट, और दूसरी बात है एनआरवी, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू कितने की है जी, मार्केट वैल्यू है इसकी एट पार, क्वेश्चन ने बता दिया मार्केट वैल्यू है। पहली बात फेस वैल्यू कितने की है जो बची हुई है, फेस वैल्यू बची हुई बेटे 20,000, और ये एट पार है मार्केट वैल्यू, वो कितने हैं 20,000। और कोस्ट कितने की है, कोस्ट, कोस्ट बेटे कोस्ट इसकी 19,200 है, ये बात ओके है कि नहीं, हाँ जी ये बात ओके है कि नहीं। अच्छा क्लोजिंग की तो बात आप कर ही नहीं रहे, आप तो बात कर रहे हो दिसंबर 31 की, मैं मार्च 31 पे पहुंच गया, ओहो बात दिसंबर 31 की है ना, ओहो ओहो दिसंबर 31 को क्या हुआ, सेल हुई थी जी, फिर से सेल हुई थी, सेल हुई थी 30,000 की फेस वैल्यू की। तो यहां पे है सेल्स अमाउंट, सबसे पहली बात तो है बेटे सेल्स अमाउंट, वो कितने की दे रखी है, दिसंबर 31 कहां लिखा है क्वेश्चन में, कहां लिखा है, ये रहा 300 डिबेंचर्स कम इंटरेस्ट है ना, सेल्स अमाउंट विद इंटरेस्ट, सबसे पहली बात तो है बेटे विद इंटरेस्ट 32,250 है। अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट हटा दूं तो मेरी सेल्स प्राइस फॉर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, यस। इंटरेस्ट कितने का है जी, इंटरेस्ट की डेट है 30 जून और दिसंबर 31, और ये है दिसंबर 31। जब हम बेचते हैं, जब हम बेचते हैं, जब हम खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं इंटरेस्ट का लेना देना करके तब बात कर रहे होते हैं, है ना। कितने में बेचा, सोल्ड 32,250, और ये विद इंटरेस्ट है, ओहो। तो अब इसने बोल दिया है कम इंटरेस्ट, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, वरना काश ये कम इंटरेस्ट ना बोलता तो हम मानते हैं एक्स इंटरेस्ट है, यानी इंटरेस्ट अलग से लिया दिया जाता। खैर 30,000 का परसेंटेज क्या है, परसेंटेज है 12% इंटू 12%। अब क्योंकि 31 दिसंबर की बात है बेटे, तो 6 महीने की बात होगी ना इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट की जो बात होगी वो होगी 6 महीने की, यानी 1,800 रुपये इसके अंदर जुड़ा हुआ है, उसको हटा दो जी 32,250, तो आगे जी 30,450, 30,450। फिर बात करो बेटे इसमें कोस्ट की, कोस्ट कितने की आई, अप्रैल मई जून नवंबर जा चुका है ना, नवंबर 30 को फिर आ गए थे, अच्छा लो भाई क्योंकि यहाँ फीफो चल रहा है तो हमें कोस्ट चाहिए, यहाँ पे कोस्ट, कोस्ट घटा देंगे तो पीएनएल आ जाएगा। जरा कोस्ट की बात करते हैं, आओ सबसे पहली बात फेस वैल्यू 40,000 थी स्टार्टिंग में, ओपनिंग में, और जिनकी कोस्ट थी कितने की, 50,000 की थी। जब तक ये पूरी निकल नहीं जाएगी, जब तक ये पूरी बिक नहीं जाएगी बेटे, फीफो है फीफो, जब तक ये सारी की सारी बिक नहीं जाएगी तब तक अगले का नंबर नहीं आना। अब 40 में से 30 तो बिक गई थी नवंबर 1 को, 40 में से 30,000 की फेस वैल्यू तो बिक चुकी थी नवंबर 1 को, और जिसकी कोस्ट अभी तो हमने निकाली थी, अभी तो निकाली थी ना हमने, ऐसे निकाल लो 50,000 इंटू 3/4 37,500। तो ये तो जा चुकी है, बची कितनी है फेस वैल्यू 10,000, और जिसकी कोस्ट है कितनी 12,500,
अच्छा एक तो जी ये गए होंगे यहाँ पर, इसमें दो दो कॉस्ट है, एक तो बेटे ओपनिंग वाला की फेस वैल्यू 10,000, तो ओपनिंग वाली कॉस्ट कितनी है बेटे 12,500, एक तो ये आ रही होगी पक्का। अब 30,000 में से, क्योंकि बेटे फीफो है तो सबसे पहले नंबर तो इसका लगा हुआ ना। फिर दूसरी परचेज हमने कब करी थी, दूसरी परचेज की हमने जून 1 को कितने की खरीदी, सीधा 20,000। नंबर सेकंड किसका लगा होगा बेटे, नई वाली फेस वैल्यू 20,000, जिसकी कॉस्ट कितने की है देखो अपने इन्वेस्टमेंट के कॉलम में, 20,400 की कॉस्ट है। तो दूसरा नंबर कौन सा लगा होगा यहाँ पे, ये वाला 20,000 की फेस वैल्यू वाला 20,400। देखो ना पूरी की पूरी 30,000 की फेस वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई, यस हो गई। तो 4 और 5 9 2 और जी 2 और 1 3 32,900। तो 30,450 माइनस 32,900, तो भाई 2,450 का क्या आ रहा, प्रॉफिट है कि लॉस है, ये है आपका लॉस और ये जाएगा कहाँ पर बेटा, P&L में। हाँ जी आपका डाउट ओके है, बोलो धन्यवाद। बाकी बच्चे अपना डाउट पूछें, इन्वेस्टमेंट में जो भी डाउट है बेटे निकालो, ताकि मैं इंश्योरेंस क्लेम का बचाव पार्ट करा सकूं। धन्यवाद, आपका डाउट ओके है बेटे। फीफो है, फीफो इस क्वेश्चन में फीफो लग रहा है, सबसे पहले पुराना फिर नया। हाँ तो निकालो ना धन्यवाद, क्या दिक्कत है, अगली क्लास भी इन्वेस्टमेंट के नाम की सही, क्या टेंशन है, इंश्योरेंस के नाम की सही, भागना नहीं है, करना है कोर्स को, जी भर के डाउट निकालो। बोलो धन्यवाद, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेंगे बेटे। पूछो जी पूछो बेटे, बाकी सेंटर भी अगर कोई डाउट है तो पूछो ना। क्वेश्चन नंबर 8 में है डाउट, अच्छा डाउट पूछो जी, क्या डाउट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, वहां भी फीफो है वैसे क्वेश्चन नंबर 8 में भी फीफो है, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी फीफो से लड़ाई हो गई हो। थर्ड पैरा, आइए जी थर्ड पैरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपने बोला क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी इसमें थर्ड पैरा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी वाज पेड ईच ईयर ऑन 31st March एंड 30th November एंड वाज क्रेडिटेड टू बैंक ऑन 3rd April एंड 4th October रेस्पेक्टिवली, द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी वाज ऑन 31st December एट द रेट ऑफ 1990, अच्छा एट द रेट ऑफ 96। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है, क्या डाउट है इसमें ये बताओ मुझे। हाँ जी दोस्त क्वेश्चन नंबर 8, बोलो जी, इस लाइन की वजह से पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया, इस लाइन की वजह से पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया, कैसे भाई क्या हो गया इसमें, बाकी बच्चों को कोई डाउट आया क्या इसमें, इस लाइन की वजह से पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी वाज पेड ईच ईयर ऑन 31st March एंड 30 सितंबर, बेटे उसमें क्या कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं, हर साल इंटरेस्ट हम लोग दिया करते हैं, कब 31 मार्च और कब 30 सितंबर, ठीक है तो ध्यान से, लेकिन 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 बस बैंक में वो पैसे कब जमा करके आते हैं, 3 अप्रैल और 4 अक्टूबर, बेटे बैंक में कभी भी पैसे जमा करके आए, हम एक्रुअल बेसिस पे चलेंगे, समझ रहे हो, आप कह रहे हो कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का डेट इसी के वजह से रुका, अच्छा धन्यवाद। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहली बात, अकाउंट्स में एक्रुअल बेसिस की बात हम लोग करते हैं हमेशा, ठीक है धन्यवाद। तो मैं पहले आपकी समस्या का समाधान बता दूं, पहली बात यहां पे जो आपके डाउट का सॉल्यूशन है वो है कि आपको इंटरेस्ट को काउंट करना है हमेशा उसकी ड्यू डेट से, बैंक में कब आ रहा है आगे पीछे लेना देना हो जाता है, आपको हमेशा उसकी ड्यू डेट से काउंट करना है दोस्त। 31 मार्च और कौन सी दे रखी है यहां पर, यहां पे जो दे रखी है 31 मार्च और 30 सितंबर दे रखी है, तो आप जब कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट की बात करोगे
परचेज सेल करते हुए वो इंटरेस्ट की रेगुलर जो डेट है ड्यू होने वाली बैंक में आने वाली नहीं, ड्यू होने वाली 31 मार्च और 30 सितंबर, वहां से काउंट करोगे। आपके डाउट का तो सॉल्यूशन ये है। पूछो बेटे, क्या आपके डाउट का जवाब मिल गया? धन्यवाद। बोलो जी बोलो। बेटे पूरा टाइम डाउट पे लगना, बेफिक्र रहो। वो कंफ्यूज करने के लिए था क्या? 3 और 4 अक्टूबर आप ऐसा समझ सकते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। वैसे वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी वहां पे धनबाद, उन्होंने बस इतना कहा है कि आपका इंटरेस्ट 31 मार्च और 30 सितंबर को ड्यू होता है, बस हम बैंक में डाला करेंगे 3 अप्रैल, मतलब 3-4 दिन के गैप पे बस। तो आप अगर किसी से इन्वेस्टमेंट खरीद रहे होंगे तो आप उसके 31 मार्च तो 30 सितंबर को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। आप इन्वेस्टमेंट को बेच रहे होंगे तो आप 31 मार्च और 30 सितंबर को ध्यान में रखते हुए बेचेंगे, बस इतनी सी बात है दोस्त। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हो फॉर द सिंप्लीफिकेशन की कंफ्यूज करने के लिए था, बिल्कुल सही। और पूछो बेटे डाउट, बाकी बच्चे भी डाउट पूछो। क्वेश्चन में इस डेट का हमें कुछ नहीं करना, हमें करना है बस इतना करना है कि बैंक वाली एंट्री इस डेट में डलेगी बस, बाकी सब कैलकुलेशन 31 मार्च और 30 सितंबर में ही चलती रहेंगी। जो बैंक वाली एंट्री होगी 6-6 महीने के इंटरेस्ट की, वो इस वाली डेट पे डलेंगी, क्योंकि जब बैंक में पैसा आ जाता है हम लोग तब एंट्री डालते हैं ट्रांजेक्शन होने पर। ठीक है, इनकम एक्रू होने के बजाय हम क्या करते हैं, हम रिसीव रियलाइजेशन बेसिस पर एंट्री डालते हैं, बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। और पूछो जी, जी भर के डाउट पूछो जी। और लक्ष्मी नगर, वाराणसी और कौन सा, पटना, तुम्हारे पास डाउट नहीं है क्या? किसी के पास? ये धनबाद वाला है, सबकी तरफ से फील्डिंग कर रहा है। बेटे पूछो धनबाद, और पूछो। वैसे इसके डाउट बड़े जेन्युइन डाउट हैं। बाकी बच्चों ने क्या होमवर्क नहीं किया या उन्हें कोई डाउट नहीं आए, क्या लिख के बताओ तो सही सेस पे कि डाउट है या नहीं है। अच्छा, अगला डाउट आया धनबाद का, क्वेश्चन नंबर 10। आओ बेटे धनबाद, क्वेश्चन नंबर 10 पर भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये है बत्रा वाला, बत्रा फाइनेंस लिमिटेड। यस, हाँ जी पूछो बेटे, इसमें क्या डाउट है? नवंबर 1 और 31 दिसंबर का इंटरेस्ट कैसे आया? निकालो जी नवंबर 1 और 31 दिसंबर का इंटरेस्ट। बेटे सारे बच्चे देखो जरा फटाफट से, यहां पर नवंबर 1 और दिसंबर 31 वाला इंटरेस्ट कैसे आया? पढ़ो। अप्रैल 1, 2002 बत्रा फाइनेंस लिमिटेड हेल्ड 12 डिबेंचर्स इन विनोद फाइबर लिमिटेड ऑफ फेस वैल्यू 25,000 के हैं जी, फेस वैल्यू वाले, कॉस्ट है इनकी 20,000, मार्केट वैल्यू स्टार्टिंग में थी 22,500, इंटरेस्ट पेबल 31 दिसंबर को हर एक साल। ठीक है जी, ऑन 1 नवंबर 2002, 1 नवंबर 2002 इन्होंने पूछा हमसे क्वेश्चन नंबर 10 में नवंबर 1 और दिसंबर 31। ठीक है, नवंबर 1 भाई, ये देखो ना इसकी इंटरेस्ट की डेट कौन सी है बच्चों, इसकी इंटरेस्ट की डेट कौन सी है? 31 दिसंबर को इंटरेस्ट दिया जाता है हर साल। यहां पर इस क्वेश्चन नंबर कौन सी बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 का डाउट है जी, मैं बोर्ड पे डाल देता हूं ताकि आप देखते रहें तो आपको पता रहे हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। इस टाइम पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का डाउट।
इनका डाउट है नवंबर 1 और दिसंबर 31 का इंटरेस्ट कैसे आया। बेटे यहाँ पर ना साल भर में बस एक बार इंटरेस्ट दिया जा रहा है, साल भर में सिर्फ और सिर्फ एक बार इंटरेस्ट दिया जा रहा है। हमारा ईयर कौन सा है जी, हमारा ईयर कौन सा है, हमारा ईयर भी दिसंबर 31 जनवरी, हमारा ईयर कब एंड हो रहा है पहले ये चेक करो। हमारा ईयर कब एंड हो रहा है, हमारा ईयर हो गया 31 मार्च 2003, ठीक है, चलो हमारा ईयर है 31 मार्च वाला, ठीक है कोई नहीं। तो जरा ध्यान से इसने क्या कहा, इनका डाउट था लक्ष्मीनगर कह रहे हैं, एक बार कन्वर्सेशन वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर कन्वर्जन वाला। बेटे एक मिनट रुक जाओ, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 को उठा चुका हूं, पहले मैं इसकी बात पूरी करूंगा, है ना लक्ष्मीनगर। तो डेबिट में जो 31 दिसंबर का पीएनएल है वो वाला इंटरेस्ट कॉलम में है वो कैसे आया, आपका ये डाउट है 31 दिसंबर को पीएनएल है वो वाला इंटरेस्ट कॉलम में कैसे आया। आओ जी 31 दिसंबर को देखते हैं, 31 दिसंबर को जो पीएनएल है बेटे ये साल भर का इंटरेस्ट इकट्ठा गया है। आप देखो ना इंटरेस्ट के क्रेडिट साइड में कितने की है, 550 प्लस 4200 प्लस 1500, 6250 माइनस कितना 750 और माइनस कितना 450, तो कितना है 5050। ध्यान से आपका जो डाउट है धनबाद, ये वाला जो डाउट है कि 31 दिसंबर को पीएनएल है वो कैसे आया इंटरेस्ट वाले कॉलम में। लो जी सर जूम करना एक बार, जूम कर दीजिए। अच्छा आपका ये डाउट है 450 कैसे आया, 450 अरे ये देखो ना 15000 है, सारे बच्चे देखो बेटे ये कौन सी डेट की बात है, 1 नवंबर को ये रहा, 1 नवंबर को जब खरीदा है कितने की फेस वैल्यू खरीदी 15000 की और कितने के 12500 के लिए, और ये 12500 क्या है एक्स इंटरेस्ट। चलो जी तो ठीक है आप इस पे काउंट करो बेटे, 15000 पर आप शुरू करो इंटरेस्ट निकालना इनटू 12% और इनटू दिसंबर है ना 1 नवंबर और 31 दिसंबर, हाँ तो सही कह रहे हो आप, इंटू 10/12 1500 आएगा बेटे, ये 450 नहीं आएगा जी, ये 1500 आएगा बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये जो है ये 450 नहीं ये 1500 आएगा, वेरी गुड धन्यवाद, आई एम प्राउड ऑन यू बेटा। 450 का इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि 1 नवंबर की बात है, 1 नवंबर को डिबेंचर परचेज किया 12500 का और इंटरेस्ट पेबल होता है हमेशा 31 दिसंबर को, बिल्कुल सही बात है बेटे, 9 महीने का हिसाब है तो 1500 आएगा, उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप बिल्कुल सही है बेटे, बिल्कुल सही आंसर है आपका 1500, आप अपने पर विश्वास रखिए। हाँ जी तो एक और डाउट आया था धनबाद का ही, 31 दिसंबर का पीएनएल है वो वाला इंटरेस्ट कॉलम में, अच्छा यही था आपका 31 दिसंबर, हाँ तो ये अब बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बेटे, बाकी घटाओगे ना इसको 6250 में से, जब आप घटाओगे एक तो 750 और एक घटाओगे आप यहां पर से 1500, तो ये आपका 4000 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4000 31 दिसंबर को। तो धनबाद का डाउट ओके है, अब मैं आता हूं लक्ष्मीनगर के डाउट पर। लक्ष्मीनगर कह रहे हैं सर एक बार कन्वर्जन वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। धनबाद कह रहे हैं वो दोनों ही अमाउंट गलत है, गलत था अभी पता चला, कौन से वाली, यही दोनों ना, क्यों जी क्यों धनबाद, है ना बस, तो ठीक है आपका आंसर सही है, हाँ तो बस ठीक है आपका आंसर सही है, इसको 1500 करो और ये बाकी आ जाएगा, बाकी बचाओ कितना 4000 आ जाएगा, बिल्कुल सही बेटे धन्यवाद।
अब मैं बात करता हूँ लक्ष्मी नगर की. लक्ष्मी नगर ने पूछा है सर क्वेश्चन नंबर 9 का कन्वर्जन वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए. आओ बेटे क्वेश्चन नंबर 9 का कन्वर्जन वाला पॉइंट फिर से बता देता हूँ. ये रहा, आपको याद है कल मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, ये ऊपर वाला दिखाना सर इतना पोर्शन. कल वाले क्वेश्चन में आप देखो, मैं वो बता देता हूँ आपको. सर एक पेन पेन दे देना, पेन है? चलो मिल गया मिल गया. जरा ध्यान से देखना बेटे लक्ष्मी नगर. जब हम कल क्लास में बात कर रहे थे तो बेटे लास्ट में बचा था कितना, 150,000 बचा हुआ था, 150,000. और उसका 40% था, 40% 40% 150,000 का 40% कितना होता है, 60,000. वो कन्वर्ट हुआ और 150,000 का 60% ऐसा था जो डिबेंचर के रूप में ही आगे कैरी फॉरवर्ड रहा. तो बेटे जरा सोचो, जरा 1.5 लाख की कोस जो थी उसमें से 40% की कोस कितनी है, ये 62,974 रुपए. तो 62,974 की जो कोस्ट है, 62,974 की जो कोस्ट है उनका, वो कहाँ ट्रांसफर हो गए, इक्विटी शेयर्स में. डिबेंचर से किस में ट्रांसफर हो गए, वो इक्विटी शेयर्स में. बस इतना सा काम है बेटा. भाई 40% की कोस्ट ट्रांसफर हो जाएगी यहां से निकल के इक्विटी शेयर्स में चली जाएगी बस. और इन पर जो यहां तक का सेटलमेंट के लिए इंटरेस्ट रह गया है वो इंटरेस्ट अलग से सेटल हो रहा है. देखो ये कैश में आ रहा है इंटरेस्ट, जो 3 महीने का इंटरेस्ट, जनवरी फरवरी मार्च वाला, क्योंकि दिसंबर 31 इंटरेस्ट की डेट थी. और कन्वर्जन दिसंबर 31 को होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कन्वर्जन हो रहा है किसमें, 31 मार्च को. तो यहां से यहां तक का इंटरेस्ट की क्या कहानी है, हमेशा वो सेटल होता है कैश में. लक्ष्मी नगर ओके. 1.5 लाख की फेस वैल्यू का 40% कितना होता है, 60,000 की फेस वैल्यू. तो 1.5 लाख की जो कोस्ट थी वो बट गई 40% में और फिर 60% में. तो 40% वाली पहुंच गई कहां पर, इक्विटी शेयर्स के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो अलग बन रहा है. लक्ष्मी नगर को क्लियर हो चुका है बेटे. और डाउट पूछो दूसरे सेंटर वाले, सारे सेंटर पूछो जूम. बाकी बच्चे डाउट पूछे बेटे प्लीज. क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 15 ओरली रीड करके समझा दीजिए, दैट्स इट. अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 और 15 आइए जी कर लेते हैं. नहीं रीड करके समझाना तो एक अलग बात होगी ना भाई. बात तो यह है कि आपको करना है, आपने रीड किया और उसको समझ में नहीं आया तब बात बनती है. क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कीजिए सारे बच्चे. क्वेश्चन नंबर 11 बेटे, बाकी बच्चे भी एक बार पढ़ें जरा. क्वेश्चन नंबर 11 ऑन 1 जनवरी 2001 श्रीदेवी. बेटे अब तो क्वेश्चन हो जाना बनता है, अब तो क्वेश्चन हो जाना बनता है, अब तो इसमें श्रीदेवी जी आ गए हैं. ठीक है अब तो डाउट वैसे भी नहीं आना चाहिए आप बच्चे लोगों को. चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 11 ऑन जनवरी 2001 श्रीदेवी परचेज्ड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इन रिलायंस लिमिटेड एट द रेट ऑफ 120 ईच. श्रीदेवी जी ने परचेज किए बेटे 500 इक्विटी शेयर्स हैं जो परचेज कर रखे हैं और 100-100 वाले. कब, जनवरी 2001 को, और 120 के भाव में परचेज किए हैं. तो कोस्ट कितनी आ गई, 500 × 120 कितना बेटे, 6,000. 500 × 120 60,000 रुपए की कोस्ट है जी. अच्छा और क्या था, ब्रोकर को दिए 2%. ओहो ब्रोकर को दिए 2%, तो 60,000 कोटेड प्राइस है इसका. 2% कितना बैठेगा, 2% बैठेगा 1200. ये जुड़ गए कितने हो गए, 61,200 रुपए. 61,200 रुपए. और क्या है जी, और साथ में 50 पैसे हर 100 रुपए पर क्या निकल रहा है बेटे, खर्चा है. तो कोटेड प्राइस का परसेंटेज होता है हमेशा, हमेशा कोटेड प्राइस का परसेंटेज होता है. तो कोटेड प्राइस यहाँ पे कितना आया था बताओ, अभी अभी तो निकाला था हमने, 500 × 120 कितना, 60,000. 60,000 का 0.5% कितना बैठेगा, 300 रुपए. 300 रुपए तो ये हो गए है ना, और 61,200 पहले हो गए थे, और साथ में हो गया था कितना,
1200 रुपए, तो कुल मिलाकर के कितना बैठा है, 61,500 इसकी कॉस्ट आ गई जी। इसकी कितनी कॉस्ट आ गई बेटे, 61,500 रुपए की कॉस्ट आ गई। ये देखो मैंने आपको वर्किंग में दे भी रखा है बहुत अच्छे से। सर एक बार जूम कर देना, देखो बच्चों आप जरा वर्किंग में देखो, 61,500 रुपए इसकी कॉस्ट है, ठीक है। बस यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स के बजाय फेस वैल्यू का कॉलम बना रखा है, आप इसको नंबर ऑफ शेयर्स का बनाना, ठीक है, और कोई गलत नहीं है सॉल्यूशन। आगे चलो, क्या कहते हैं क्वेश्चन, शी इनकर्ड, अच्छा, ऑन 30 नवंबर 2001 बोनस वाज डिक्लेयर इन द रेशियो 1:2। बेटे बोनस मिला देखो, फ्री के शेयर आ गए तो 1:2, 25,000 फेस वैल्यू। आप इसको ना नंबर ऑफ शेयर्स मेंटेन कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 5,000 और 2,500 नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। अमाउंट में कुछ नहीं करना, अमाउंट में कुछ भी नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन ने क्या कहा जी, क्वेश्चन ने कहा कि भाई बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट। क्वेश्चन ने बेटे आपको डराया धमकाया, कैसे डराया धमकाया, आइए मैं बताता हूं बोर्ड पे ग्राफ बना करके छोटा सा। सर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन ने आपको बताया कि भाई बोनस इशू हुआ 1:2 का, बोनस इशू हुआ 1:2 का, और इससे पहले ये मार्केट प्राइस था और इसके बाद में ये मार्केट प्राइस है। मैंने आपको बताया भी था कि कई सारे क्वेश्चन आपको बहकाते हैं, ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये राइट इशू में जाता है, जहां पे राइट सेल करते हैं वहां पर फर्क पड़ता है इस बात का कि भाई पहले मार्केट प्राइस ज्यादा था और बाद में कम हो गया, मार्केट प्राइस गिरा कि नहीं गिरा, ये फर्क किस में पड़ेगा, ये राइट के केस में पड़ेगा जब राइट की रिकवरी होगी। और बच्चों क्वेश्चन ने आपको बहकाया यहां पर कि पहले मार्केट प्राइस ये था और बाद में मार्केट प्राइस ये हो गया, तो क्या फर्क पड़ा इससे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। क्वेश्चन ने बस इतना बताया कि पहले 175 का था बाद में 90 का हो गया, क्या करना है इसका, कुछ नहीं। 31 दिसंबर 2001 को श्रीदेवी ने क्या किया, आप शेयर्स बेच दिए जी, कितने के भाव में बेच दिए, शेयर्स बेच दिए और उस पर 2% का चार्ज लगा। लो जी सर फिर से जूम करना, इससे ऊपर का और ऊपर, ये दोनों यहां से लेकर यहां तक, देखो बेटे क्वेश्चन ने क्या कहा, सेल्स प्रोसीड कितने की है, कितने शेयर्स बेचे जी, कितने शेयर्स बेचे आप ये देखो जरा, बोनस शेयर्स बेच दिए जी, कितने में बेच दिए, थोड़ा और जूम कर लीजिए प्लीज, यहां से ऊपर, कितने शेयर्स बेचे बेटे, 250 शेयर्स बेच दिए ना, तो 250 × 90 रुपए और उस पर 2-2% का क्या है कमीशन, 2-2% का क्या है बेटे कमीशन, 250 × 90 कितने होते हैं, 22,500 होते हैं, तो साथ में क्या हुआ इसका कमीशन भी घट गया, तो 22,500 का 2% घटा दो जी, कितना आ गया 22,050 आ गया, 22,050 रुपए आ गई सेल्स प्राइस, और 22,050 जब सेल्स प्राइस आया उसमें से कोस घटानी है, कोस घटाने पे क्या होगा कुछ ना बोले तो वेटेड एवरेज, फिर ये 61,500 की कोस्ट मानी जाएगी, किसके लिए मानी जाएगी, इन दोनों के लिए, तो 61,500 डिवाइडेड बाय 75,000 × 25,000 जो बेचे, 61,500 × 25,000 बेटे ये क्या हुआ, ये इसकी कॉस्ट आ गई, जो भी कॉस्ट आई, कितनी कॉस्ट आई जी, कॉस्ट आ गई जी 20,500 की कॉस्ट आ गई, ये आ गई बेटे 20,500 रुपए की कॉस्ट आ गई, जब 20,500 रुपए कॉस्ट है उसकी, जो शेयर्स बेचे तो 20,500 को घटा दो इसमें से, माइनस 22,050, तो 1,550 का क्या हुआ प्रॉफिट आ गया, क्योंकि कोस 20,500 है, सेल्स प्राइस 22,050 है, बेटे इतने का क्या हुआ प्रॉफिट आ गया। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन 31 दिसंबर, अब ईयर एंड की बात कर लो जी, कोस तो 41 है लेकिन बाद का जो मार्केट प्राइस है वो तो दे रखा है ना, तो 90 रुपए के हिसाब से मार्केट वैल्यू आ गई। धनबाद पूछ रहे हैं हम नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से तो 250 लेंगे ना,
हाँ बिल्कुल 250 लोगे, बिल्कुल लोगे, तो 250 तो ये है, आप इसको नंबर ऑफ शेयर्स कर लो, तो चलो तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स करो कितने हो जाएंगे, 100-100 रुपए का शेयर है ना, हटा दो 100-100 का है ना, पहले चेक कर लो 100-100 का है कि 10 रुपए का है, बेटे चेक कर ले रहा 100-100 वाले है। क्वेश्चन नंबर ये है अपना 11, ये है जी 100-100 रुपए वाले हैं, तो यहां पर ये 2-2 जीरो हट जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, आप उसके हिसाब से कर लो। अब मुझे बताओ क्या इसमें डाउट है कुछ, क्वेश्चन नंबर 11 में, बोलो जी धनबाद। आई थिंक अब तो पूरा ही हो गया, 61,500 डिवाइडेड बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 250, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही होगा जी। आप ऐसे कर लो जी, 61,500 मल्टीप्लाइड बाय 250 डिवाइडेड बाय 750, ऐसे कर लो बेटे, आंसर तो सेम आएगा ना बच्चे, ऐसे कर लो धनबाद, नंबर ऑफ शेयर से कर लो, कोई इशू नहीं है बेटे बहुत बढ़िया, ठीक है धनबाद, क्या आगे चलने की परमिशन है बेटे, कोई भागम भाग नहीं मचनी है सिलेबस में, सॉल्यूशन के लास्ट लाइन क्या बोलना चाहता है, जरा सॉल्यूशन की लास्ट लाइन देखो, ये कहते हैं क्लोजिंग जो वैल्यूएशन है ना, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ क्लोजिंग वाला है इन्वेस्टमेंट है, उनकी कॉस्ट तो ये है और मार्केट वैल्यू क्या है ये है, इन दोनों में से जो कम है वो क्लोजिंग बैलेंस आएगा जी, ये कहना चाह रहा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जब कुछ ना बोले तो हम क्या मानते हैं, शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म कैसे आता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लेस, ये रही कॉस्ट 41,000, ये कॉस्ट है आपकी, और ये क्या है बेटे एनआरवी, और इन दोनों में से जो कम है लोअर है दैट विल बी ट्रीटेड एज दिस वन। अब क्योंकि मार्केट वैल्यू इससे कम नहीं गई है, अगर मार्केट वैल्यू इससे कम चले जाती तो बेटे पीएनएल भी देखना पड़ता ना, अमाउंट डिफरेंस। चलिए मुझे आगे बताइए क्या ये बात ओके है, हाँ जी बेटे बोलो धनबाद, 11वां क्वेश्चन ओके है कि नहीं, डाउट बेटे, रीडिंग तो देखो आप अपने आप करना है ना। अच्छा कोस्ट में वो 50,000 कैसे आया, कोस्ट में 50,000 कैसे आया बेटे, कोस्ट में 50,000 कहाँ आया, सॉल्यूशन में, अरे बेटे 50,000 कहीं है ही नहीं बेटे, आप कैसी बातें कर रहे हो, कोस्ट में 50,000 कहाँ है, ये तो फेस वैल्यू है ना, आप इसको नंबर ऑफ शेयर्स कर लो, आप इसको नंबर ऑफ शेयर्स कर तो चुके हो, कर लो, ये कोस्ट नहीं है ये फेस वैल्यू, कोस्ट तो ये है, आप इसकी बात तो नहीं कर रहे भाई, 61,500 जो कोस्ट है वो कितने की है, ऐसे कर लो आप नंबर ऑफ शेयर्स में कर लो, डिवाइड बाय 750 मल्टीप्लाइड बाय 500, आप ऐसे कर लो बेटे, ठीक है आप ऐसे कर लो, नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर लो भाई, 61,500 कोस्ट है कितने की, 750 शेयर्स की, तो फिर उसमें से इनकी कोस्ट कितनी है 50 की, 500 की जो बचे हुए, क्या ये बात ओके है धनबाद, ओके है धनबाद, धनबाद को ओके है पटना, अरे बेटे मेरे जैसे सीए बन के क्या करोगे, पैसे कमाने वाले सीए बनो। चलिए तो धनबाद को डाउट ओके है बेटे, 11th के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आप कह रहे हो रीड करने के लिए, मैं रीड कर दूंगा, देखो टाइम आपका है, या तो उसमें कोई टेक्निकल पॉइंट है जो उलझा हुआ है आप मुझे वो बताओ, कोई पॉइंट है, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर सर 15 हटा लीजिए जूम आउट, राइट सोल्ड वाला, राइट सोल्ड वाला, अच्छा अच्छा ठीक है, तो भाई इसको हटा देते हैं पहले, एक बच्चे ने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 15 रीड करके बताओ उसमें राइट सोड वाला डाउट, चलो जी क्वेश्चन नंबर 15, कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की जल्दबाजी मत करना और गलत बोलने की जल्दबाजी मत करना कि क्वेश्चन गलत है, थोड़ा सा बेटे पहले देख लिया करो
कई बार हम जल्दबाजी में बोल जाते हैं कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन वो टेक्निकली फंसा हुआ होता है, ठीक है। बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 15, आओ जी, मिस्टर अजय, और इसमें राइट वाला ना, ठीक है, मिस्टर अजय परचेज्ड 500 इक्विटी शेयर्स, ठीक है जी, ये क्वेश्चन बना ही राइट के लिए था, तुम तो ये पूरा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन बना ही राइट के लिए था, धन्यवाद। इस क्वेश्चन में क्या चीज है मैं बता देता हूं, देखो जब राइट बेचा तो कितने रुपए मिले, जब राइट बेचा बेटे तो कितने रुपए मिले, 2,500 रुपए मिले, सीधी सी बात है। राइट सोल्ड कर सेल करने से रिसीव्ड अमाउंट कितने की है, 2,500 रुपए, 2,500 रुपीज। तो ये क्या कहते हैं, राइट से पहले और राइट के बाद में मार्केट प्राइस क्वेश्चन ने दे रखा है क्या, यस दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में बताओ जरा, है कितने का, पहले है 110 का था, पहले प्राइस था 110, 110 का एक शेयर था, अच्छा बेटा, और अब कितना है, अब कितना है जी, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट है 92.5 रुपीज, 92.50 रुपीज पर शेयर है इसका प्राइस, मार्केट प्राइस जो गिर चुका है। जरा देखना बच्चों ध्यान से बेटे, उसने क्या कहा जरा आगे पढ़ो, इसने कहा कि जब हमने शेयर खरीदे थे, दोबारा से पढ़ो इस क्वेश्चन को, पूरा पढ़ना पड़ेगा जल्दी जल्दी। मिस्टर अजय ने परचेज किए 500 शेयर्स, 100-100 वाले, 100-100 वाले कितने में, 62,500 रुपए में, जिसमें सब चीज शामिल थी। जरा देखना, अगर तुम गिराओ, डिवाइड करो 62,500 को 500 से, तो कितने रुपए की कॉस्ट है इसकी, अगर देखा जाए तो बेटा 125 रुपए की कॉस्ट है एक शेयर की, कितनी है 125 रुपए की। अच्छा फिर आगे बढ़े, फिर देखो जी क्वेश्चन ने क्या कहा, कह रहे बाद में कंपनी ने राइट इशू निकाला, अच्छा ठीक है, राइट इशू निकाला, चलो फिर राइट इशू निकालने के बाद में, मतलब 1 for every share, ठीक है, मिस्टर अजय ने क्या किया, 50% राइट को बेच दिया, 50% को यूज कर लिया, तो द शेयर ऑफ हेलो कंपनी वाज वर कोटेड एट 110 बिफोर एंड 92.5 आफ्टर राइट, मिस्टर अजय सोल्ड 10 रुपीज पर राइट एंड पेड 80 रुपीज दिस वन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं बेटे। सबसे अच्छा ये देखो, देखो बेटे सबसे पहले इस पॉइंट को पढ़ो आप, एक मिनट ऊपर करना, धीरे धीरे नीचे करना है, जरा देखो राइट कितने में बेचा, राइट कितने में बेचा, 2,500 रुपए में ना, आगे आता हूं। ट्रीटमेंट राइट का कैसे होता है कि अगर मार्केट प्राइस, अगर बेटे क्या, अगर मार्केट प्राइस डिक्लाइन हो आफ्टर राइट इशू, ठीक है ना, इट इज टू बी नोटेड सिंस मार्केट प्राइस गिरा है, गिरा है कैसे, 110 से 92.5 हुआ है, हेंस फर्स्ट राइट सेल्स अमाउंट विल बी यूज्ड फॉर रिकवरी ऑफ लॉस ड्यू टू डाउनफॉल इन द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, और अगर कोई बैलेंस रह जाता है फिर भी बच जाता है तब हम उसको इनकम में डालते हैं। कहते हैं पहले देखो गिरने, प्राइस गिरा है क्या, हाँ, उससे हमारा कुछ नुकसान हुआ है क्या, कि हाँ, कि पहले उस नुकसान को पूरा करो, फर्स्ट सच राइट अमाउंट सेल अमाउंट यूज फॉर रिकवरी ऑफ लॉस, उस नुकसान को पूरा करो जो तुम्हारे पुराने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है, अच्छा, और फिर अगर वो पूरा हो जाए फिर बच जाए तो इसको ट्रांसफर कर दो, तब जाके इसको इनकम मानना, ठीक है। अब देखना जरा बेटे क्या कहते हैं, यहां पर पुराने वाले
उसका लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो बुक्स में कितने रुपए का था इन्वेस्टमेंट, पहले ध्यान रख रहे, हवाबाजी नहीं करनी, बुक्स में कितने का था? बुक्स में था 62,500 का, बुक्स में था जी, बुक्स में था 62,500 का था, और वो मार्केट में रह कितने का गया, क्योंकि 500 शेयर्स थे ना 62,500 के, हाँ, तो मार्केट में हो कितने के गए वो 500 शेयर्स, पुराने वाले शेयर्स सिर्फ 46,250 के, ओ माय गॉड। तो पुराने वालों का अगर मैं नुकसान देखूं तो बेटे 16,250 का नुकसान पुराने वाले पे हो गया, मार्केट वैल्यू गिर गई, तो 16,250 का जब तक नुकसान मेरा पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं राइट बेचने से आने वाली अमाउंट को अपनी इनकम नहीं मान सकता, क्योंकि इधर तो मैं रो रहा हूं कि मेरा नुकसान है, उधर मैं अपनी खुशी मना रहा हूं कि वो मेरी इनकम है, दोनों बातें एकदम विपरीत है। तो AS 13 ने साफ साफ कहा कि सबसे पहले तुम अपने इस लॉस को रिकवर करने में यूज करो, और उसके बाद बच जाए इफ स्टिल एनी बैलेंस, तब उसको ट्रांसफर टू इनकम, तब उसको इनकम में ट्रांसफर करना। यहां पर कितना, 16,250 और हमारी थोड़ा सा ऊपर 2,500 रुपए, हमारी अमाउंट कितनी मिली बताओ जल्दी से, कितनी मिली? 2,500 रुपए। तो इस 2,500 को मैं इनकम में डालूंगा या पहले 16,250 को पूरा करने में यूज करूंगा? आंसर इज बेटे सबसे पहले मैं इसको पूरा करूंगा, ये पूरा हो ही नहीं पाएगा तब तक मैं इसको इनकम में क्रेडिट कर ही नहीं सकता। हेंस फुल अमाउंट ऑफ 2,500 विल बी यूज फॉर रिकवरी ऑफ लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, सो इट विल बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट कॉलम। ठीक है बेटे, एक बात और, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं वो मार्केट वैल्यू में उलझे रहते हैं। भाई ये अटेंशन देने वाली बात है, लॉस इज बीइंग कैलकुलेटेड आफ्टर कंपेयरिंग विद द डिक्लाइंड मार्केट प्राइस, यानी 92 के साथ में कंपैरिजन किसका होगा, बुक वैल्यू का। केयर शुड बी टेकन फॉर कैलकुलेशन हियर एज डिक्लाइंड मार्केट प्राइस विल बी कंपेयर्ड, क्या कहा बेटे इस लाइन को अंडरलाइन करो, डिक्लाइंड मार्केट प्राइस विल बी कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट एज शोन इन बुक्स बिफोर राइट। बच्चा क्या गलती करता है वो नहीं करना है, इट विल नॉट बी डन विद नॉट रिकॉग्नाइज वैल्यू इन बुक्स। भाई ये मार्केट प्राइस जो बिफोर राइट वाला था वो तो बुक्स में आया नहीं था, तो उससे कंपेरिजन कैसे कर दें और कैसे उसके आधार पे हम लॉस को बुक कर दें? कंपैरिजन जो होगा वो किसका होगा, वो बेटे बुक वैल्यू का होगा, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू का होगा, किससे, मार्केट प्राइस से। तो मेरा ख्याल है यहां तक बात ओके है बेटे, आपकी बात हो गई, धन्यवाद। तो 2,500 को हम कहां डालेंगे जी, ऊपर करना सर, 2,500 को बेटे हम कहां डालेंगे, इनकम में नहीं डाल सकते, कहां पे डालेंगे, इन्वेस्टमेंट के कॉलम में जी, जब तक वो 16,250 पूरा नहीं हो जाए। अब क्योंकि वो पूरा नहीं हो सकता तो जरा बाकी का जो अमाउंट है वो कहां चला गया अपना, जैसे भी है पीएनएल में। हाँ जी, zoom out बेटे, बताओ जल्दी से, और कोई डाउट निकालो जी, निकालो जी, भर के डाउट निकालो बेटे, बाकी बच्चे भी डाउट निकालो, कुछ डाउट नहीं है क्या? 16,250 के बाद रिमेनिंग का क्या हुआ सर, रिमेनिंग का क्या हुआ, जरा घटाओ, जरा 16,250 में से 16,250 में से घटा लो 2,500, कितना बचा 13,750। जरा देखो क्लोजिंग वाले इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी तो चेंज हो गई ना, तो सारा लॉस एक साथ मिक्स होकर के किस में आ गया, बैलेंसिंग फिगर में, जो सोल्यूशन में दी थी ना बैलेंसिंग फिगर, कितने की, 10,625, वो सारा का सारा वहां जाकर पैक हो गया। क्योंकि पता है रीजन क्या है, देखो एक बार और थोड़ा सा जूम करना सर इसी पे, देखो जरा ध्यान से, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना बेटे, आप गौर से देखो, हाँ बिल्कुल लक्ष्मीनगर, क्यों नहीं बेटे, बिल्कुल पूछेंगे। अच्छा वो कह रहे हैं सर अभी इतने क्वेश्चन किए हैं तो अगर कोई डाउट रह जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, हाँ बिल्कुल। देखो ये 250 शेयर्स ना 80 के भाव में आए थे, सोचो जरा, और ये वाले कितने के भाव में आए थे, 125 के भाव में आए थे, सोच के देखो जरा, और ये सारी कोस एक जगह जुड़ गई, तो 125 भी एक जगह आ गया और 80 भी एक जगह आ गया,
अगर आप देखोगे ना तो 16,250, बेटे ध्यान से, जो 16,250 आप कह रहे थे ना कि सर 16,250 में से, 16,250 में से 2,500 तो चलो यहां पे एडजस्ट हो गया, तो बाकी का लॉस कितना बचा? मैंने कहा कर लो, बाकी का लॉस कितना बचा? 13,750। हाँ सर, तो 13,750 इन्होंने पीएनएल में क्यों नहीं लिखा सर? हो सकता है किसी बच्चे का ये डाउट हो, शायद आप यही पूछना चाहते हैं धर्माद। बेटे ये भी तो देखो, ये 80-80 वाले शेयर किस पे वैल्यूएट हो गए इसमें घुस करके? 92.5 पे वैल्यूएट हो गए। अगर आप देखो तो बेटे 250 शेयर्स पर 12.5 रुपीस इजाफा भी तो हो गया, 250 शेयर्स पर 12.5 रुपीस प्रॉफिट भी तो हो गया, तो उसको यहां से हटा लो, तुम्हारा जवाब तुम्हें मिल जाएगा 3,125 रुपए का इनका मुनाफा भी तो हो गया ना बेटे, क्योंकि ये वेटेड एवरेज के जरिए अपनी कम कोस्ट लेकर के ज्यादा उन वाले दूसरे वाले शेयर्स में मिल गया, तो घटाओ 13,750 में से तो नेट क्या बचा? इसमें से ये घटा दो, ये तो प्रॉफिट है वैल्यूएशन का, और ये लॉस है जो बचा हुआ है, इन दोनों का नेट करोगे तो बेटे यही आएगा। बच्चे बोलो धन्यवाद, तुम्हारी बात का जवाब मिल गया कि 16,250 के बाद रिमेनिंग क्या है सर? 16,250 के बाद रिमेनिंग 13,750 है बेटे, और 13,750 का लॉस मिक्स हो गया 3,125 के प्रॉफिट में, क्योंकि 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 ये इन्वेस्टमेंट 80 वाले थे, राइट शेयर सस्ते लिए थे ना बेटे मार्केट से, और यहां पर ये मार्केट पर वैल्यूएट हो रहे हैं। बोलो बेटे बोलो, धन्यवाद, ओके और नोट। बेटे बताओ ना धन्यवाद, या तो ओके है या फिर नहीं है, मैं आप ही के लिए तो वेट कर रहा हूं, आपके डाउट का जवाब दिया था। बाकी सब सेंटर बताए बेटे, किसी और सेंटर को कोई डाउट है क्या? क्लोजिंग वैल्यूएशन कैसे करेंगे? अरे सारे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जोड़ देंगे एक जगह, देखो ना ये कर तो रखा है मैंने, चलिए मैं करके बता देता हूं। यहां पे क्लोजिंग वाले की कॉस्ट देखो बेटे, क्लोजिंग वाले की कॉस्ट देख लो भाई, कॉस्ट कितने की है? 62,500 और प्लस 20,000, दोनों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 82,500। और ये कितने शेयर्स के लिए है? 500 और 250, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और बेटे ये कॉस्ट है उनकी, कोई शेयर बिका थोड़े ना बेटे, कोई बिका थोड़े ना शेयर्स, तो जरा सोच के देखो, इसमें से जब सेल रिकवरी हुई थी तो 2,500 ही तो घटाए थे, बताओ कितने की कॉस्ट हो गई? 80,000। कितने शेयर्स की कॉस्ट हो गई? ये हो गई 750। हाँ जी, तो जरा 750 के लिए जरा बात करोगे, ये तो कॉस्ट है, ये तो बेटे कॉस्ट है, और आपको साथ में क्या चाहिए? दूसरी बात, एनआरवी मार्केट वैल्यू, तो 750 की मार्केट वैल्यू 92.5 के हिसाब से कितनी बैठेगी बेटे, बताना जरा, तुम ही बताओ बेटे धन्यवाद। और बेफिक्र होके ये मत सोचना कि भाई मैं डाउट पूछ रहा हूं तो कहीं बच्चे बाकी कोई परेशान तो नहीं हो रहे, कोई परेशान नहीं हो रहा, कल को वो यही डाउट फिर पूछेंगे, अच्छा है उनको आज ही क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो कम है बेटे वो क्या है धन्यवाद? 69,375 शॉर्ट टर्म है ना बेटा, तो 69,375 पे वैल्यूएशन होगा बेटा। देखो अपने सॉल्यूशन में यही है सर, देखो बेटे अपने सॉल्यूशन में यही है धन्यवाद, 69,375 और 80,000 से जितना कम है, 80,000 में से घटा के देखो 69,375, 10,625 ही आ रहा है बेटा,
वो तो मैंने आपको ये बता दिया एनालिसिस, ये कोई बताता भी नहीं और ना इसकी जरूरत भी आपको, ठीक है। 13,750 वाले के एनालिसिस की जरूरत नहीं है बेटे, और कोई बात नहीं, आपने पूछा मैंने बताया। बोलो जी, डाउट पूछो, बाकी सेंटर बेटे प्लीज डाउट पूछें। ऑल क्लियर, ठीक है, जूम आउट कर लीजिए सर। और पूछो बेटे डाउट, किसी और सेंटर के कोई और डाउट है? यहां तक बेटे डाउट है कोई और? चलिए फिर, आप कोई डाउट नहीं आ रहे हैं सेस पे, तो मैं मान रहा हूं फिलहाल कोई डाउट नहीं है, या बच्चे ने अभी पूरी तरह होमवर्क ट्राई नहीं किया है। एनीवेज, दो बातें बता करके हम क्लास ओवर करते हैं, आज नहीं तो शायद मंडे तक मैंने बात की है तो एलएमएस पे ये वाला चैप्टर डाल देंगे, ठीक है। जिन बच्चों की क्लास छूट गई थी किसी वजह से, तो मे बी की वो वहां से रिकवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मंडे को हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा और चैप्टर का नाम है बेटे हायर परचेज, जो लगभग 4 से 5 क्लास तक चलेगा। इसी दौरान हम लगभग 4:30 के आसपास, ठीक है, लगभग 4:30 के आसपास जब हमारी क्लास ओवर होने वाली होगी, हम अपना इंश्योरेंस का इंश्योरेंस क्लेम का एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं आप लोगों ने ट्राई क्यों नहीं किया अभी तक, मैं तो उसके डाउट का वेट कर रहा था, बड़ा ही एडवांस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, मैं 25 बोल गया था, प्लीज आप उसको जरूर ट्राई कीजिएगा आज, ठीक है। तो मे बी की मंडे टाइम बचा करके हम इसको जरूर कर लेंगे, है ना। अच्छा, किया है ट्राई सर, डाउट आया फिर वाराणसी पक्का आया होगा, अगर ट्राई किया है तो बेटे पक्का डाउट आया होगा, क्योंकि वहां पर ईयर में उलझाता है वो बच्चे को। अच्छा, डाउट आया क्या वाराणसी, पहले ये बताओ आपने ट्राई किया, डाउट आया बेटे या नहीं आया? अगर नहीं आया तो भी बहुत अच्छा, अगर आ गया तो कम से कम आप उस डाउट तक पहुंच तो गए, तब भी अच्छा है। डाउट नहीं आया, गजब, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो बेटे, पर फिर भी मैं चाहूंगा कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को जरूर कराऊं क्लास में, क्योंकि वो अच्छा क्वेश्चन है। बाकी बच्चे जो आपकी तरह मेहनत नहीं कर रहे हैं, मैं चाहूंगा उनका भी नुकसान ना हो। मैच नहीं किया लेकिन आंसर सॉल्यूशन से, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम करेंगे, इसका मतलब डाउट है वाराणसी, इसका मतलब ये डाउट है, सॉल्यूशन बिल्कुल सही है बेटे, ठीक है। उन्होंने क्या कर रखा ना, ट्रेंड लगा नहीं रखा, ट्रेंड इग्नोर कर रखा है उस वाले क्वेश्चन में, एनुअल टर्नओवर पर। हाँ, मैं डाउट बता रहा हूँ किस पॉइंट पे आएगा, एनुअल टर्नओवर पर उन्होंने ट्रेंड लगा नहीं रखा, वो 2,20,000 है ना, उसको एनुअल टर्नओवर को ऐसे ही मान लिया कि वो ऑलरेडी ट्रेंडेड है, तो 2,20,000 जीपी ऑन एटी जब निकालोगे तो वहां पर ट्रेंड अलग से नहीं लगा रखा उन्होंने, ठीक है, ये पॉइंट है वहां पर। चलिए फिर क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग मंडे। तो आपके जो भी फ्रेंड मंडे को, अगर आपको ऐसा लगे कोई बच्चा, नया बच्चा आना चाहता है, तो बेटे मंडे से हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम फ्रेश चैप्टर है, किसी भी चैप्टर का पहले चैप्टर से लिंक नहीं है, जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो कोई भी न्यू स्टूडेंट वहां पर एंट्री कर सकता है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।